बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं अपना एक मुख्तसर इंट्रोडक्शन कर देता हूँ लोगों के सामने। मेरा नाम इमरान अल हक है और मेरा ताल्लुक जो है वो कैपीके से है। और रिसेंटली जो अभी रिज़ल्ट आया फाइनल रिज़ल्ट CSS 2020 के, और इसमें मेरी लोकेशन हुई है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। और मेरी जो डिग्री बैकग्राउंड जो है वो केमिस्ट्री से है। मेरी डिग्री जो है वो केमिस्ट्री में मैंने मास्टर्स की है, और रिसेंटली जो है ना करंटली बल्कि वो कंटिन्यू है MS प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना स्पेन से। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे CSS प्रेपरेशन के हवाले से। तो मुख्तसर सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने दो तीन बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, फिर जो सारा हमारा डिस्कशन होगा उसमें हम कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, और फिर लास्ट में जो है ना कुछ जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर करने की मैं कोशिश करूँगा। पहली जो बुनियादी दो तीन बातें हैं, एक बात तो ये है कि मेरी जो है एलोकेशन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हुई है, और वो भी केमिस्ट्री बैकग्राउंड के साथ, यानी एक ऐसी सब्जेक्ट जिसका मतलब पाकिस्तान जो है ना अफेयर या पॉलिटिकल साइंस या IR या हिस्ट्री इस तरह की चीज़ों से मतलब दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं। तो इस सब्जेक्ट को लेके CSS जो है ना पास करना और फिर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना, तो ये एक जो है ना इस तरह की एक बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से मैं इसको जो है ना अचीव किया। दूसरी बात ये है कि मैं ये CSS का मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और इससे पहले जो PMS के मैंने अटेम्प्ट दिए, और इन तमाम अटेम्प्ट में इंग्लिश ऐसे जो है और इंग्लिश प्रेसी जो है ना मेरा जो है ना कभी भी फेल नहीं हुआ। तो उसके पीछे क्या वजह है कि किस तरह से प्रेपरेशन मैंने किया, और यानी इस तरह होता है कि बंदा एक दफ़ा CSS जो है ना वो पास कर लेता है, दूसरी बार जो है ना वो फेल हो जाता है इसमें, तो फिर जो है ना फिर भी मतलब हो सकता है कि किस इस तरह की फैक्टर हो जो बंदे में मिसिंग हो। लेकिन अगर एक बंदा जिसकी जो है ना बैकग्राउंड इंग्लिश केमिस्ट्री से हो, इंग्लिश से इसका इतना रिलेशन ना हो, लेकिन फिर भी जो है ना हर अटेम्प्ट में अगर वो इंग्लिश जो है ना वो पास करता है, तो जाहिर सी बात है कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैंने कॉन्स्टेंटली मैंने इसको जो है ना पकड़े रखा और इसको ऊपर मैंने फोकस किया। तो वो बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से जो है ना इंग्लिश ऐसे को मैंने अब कवर किया, इसको मैंने जो है ना टैकल किया। इसके अलावा फिर थर्ड चीज़ जो है केमिस्ट्री बैकग्राउंड से आके इन तमाम जो है ना 12 पेपर्स जो थे इनकी तैयारी मैंने किस तरह से की, बेसिक से मैंने किस तरह स्टार्ट लिया, और फिर कहाँ कहाँ से मैंने मटेरियल जमा किया, और ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज के सेशन में इन दो तीन चीज़ों के ऊपर जो है ना मैं फोकस करूँगा, और आखिर में जो है ना जो क्वेश्चंस होंगे इनको फिर आखिर में हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं जी CSS के प्रिपरेशन के हवाले से। मैं सबसे पहली बात ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो इस एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए यानी बेस CSS की तैयारी जो है ये इसकी रिटर्न की जो तैयारी है इसको मैंने तीन स्टेप्स में मैंने क्लासीफाई किया, तीन स्टेप्स में मैंने इसको डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेप जो है वो बेसिक कंसेप्ट की तैयारी है। मेरे ख्याल में इसको जो है ना हम 20% वेटेज इसको देनी चाहिए, यानी 20% हमारा जो इस तैयारी का जो एफर्ट हमारा जो है वो इनके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर होने चाहिए। उसके अलावा फिर 50% मेरे हिसाब से फिर सिलेबस का जो कंटेंट है, सिलेबस की स्टडी है, इसको तैयार करने के ऊपर आप जो है ना एफर्ट लगाए, और फिर लास्ट 30% जो है वो आप लगाए पेपर अटेम्प्टिंग के ऊपर, पास पेपर जो है ना उनको सॉल्व करने के ऊपर, और फिर क्वेश्चन को आप किस तरह से देखें, इसके अंदर कोर पॉइंट्स किस तरह से हो और उसको किस तरह से प्रिपेयर करें। तो इन तीन जो है ना स्टेप्स में मैंने अपने तैयारी के दौरान क्लासिफाई किया, और आप लोगों से भी मेरी यही एडवाइस है कि तैयारी को इन तीन हिस्सों पे मुनकसिम करें, और फिर इस हिसाब से अगर आप एफर्ट करेंगे फिर जो है ना आपकी रिटर्न में जो है ना आपकी कामयाबी जो है ना यकीनी हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ बेसिक कंसेप्ट से क्या मुराद। अब देख ले, जब भी हमारे पास जो दोस्त आते हैं या दूसरे जो CSS क्वालिफायर इनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि CSS के लिए कोई बुक रिकमेंड करें, तो फिर यहाँ पे मेरे पास एक बुक है, देख ले ये योवल नोह हरारी की किताब है, 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। तो इस तरह के बुक वो रिकमेंड करते हैं कि जी ये बुक पढ़े, या पाकिस्तान जो ना फॉरन पॉलिसी की बुक पढ़े, या गवर्निंग द अनगवर्नेबल यहाँ पे ये रखी है, मैं खुद जो है ना इनको पढ़ता रहता हूँ, ये पढ़े। तो फिर जब एक स्टूडेंट जो है ना CSS की तैयारी अभी उसने शुरू की है तो उनको बेसिस का पता नहीं, तो फिर जब वो योवल नोह हरारी की ये किताब उठा के पढ़ता है तो यहाँ पे इस तरह के कंसेप्ट से आप शुरू का जो है ना मैं एक चैप्टर यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ
अब इसका पार्ट नंबर वन है, पार्ट नंबर वन में इसका जो पहला है, इसमें यहाँ पे लिखा है, जो पहला चैप्टर इसका है, यहाँ पे लिखा है कि द एंड ऑफ हिस्ट्री हैज बीन पोस्टपोन्ड। अब यहाँ पे देख ले एंड ऑफ हिस्ट्री से क्या मुराद है। ये एक कंसेप्ट है आईआर का, पॉलिटिकल साइंस का, एंड ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं। जब आपको इन तमाम बेसिक्स का पता ना हो तो फिर जो है ना आप इस तरह के बुक्स रीड नहीं कर सकते, मैगजीन नहीं पढ़ सकते, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स वो नहीं पढ़ सकते, और इसके अलावा सीएसएस के जितने भी रिकमेंडेड बुक्स हैं वो सारे जो है ना आप ना पढ़ सकेंगे, और फिर जो है ना इससे आपको कोई जो ना कुछ फायदा होगा। तो इसलिए जब आप सीएसएस की तैयारी फ्रॉम द स्क्रैच अगर स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग, तो फिर आप फोकस करें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में किन चीजों को पढ़े, तो फिर बेसिक कॉन्सेप्ट में आप शुरू करें इकोनॉमी, मिसाल के तौर पर इकोनॉमी के बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, जीडीपी किसे कहते हैं, जीएनपी किसे कहते हैं, ट्रेड डेफिसिट से क्या मुराद है, इसके अलावा पाकिस्तान का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह से है, एग्रीकल्चर का कितना शेयर है, इसमें इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसका कितना शेयर है, सर्विस सेक्टर किसे कहते हैं उसका कितना शेयर है। तो इस तरह से बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं जब तक आप उनको क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक जो है ना आप जितने भी रिकमेंडेड बुक्स हैं या जितने भी मैगजीन्स हैं उनको जो है ना आप नहीं पढ़ सकेंगे। इसके अलावा फिर बेसिक कंसेप्ट में आप जो है ना आप एड्रेस करें पाकिस्तान हिस्ट्री ब्रीफ पढ़े, यानी पाकिस्तान हिस्ट्री को ब्रीफ तरीके से पढ़ने के लिए यहाँ पे किताब है, बाद में मैं आप लोगों के साथ ये सारा शेयर भी करूँगा, लेकिन वैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये ओ लेवल में इस बुक को पढ़ाते हैं, इस बुक में ये कोई तकरीबन 200 सफ़े की किताब है, इसमें मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आज इस करंट जो है ना गवर्नमेंट तक जो है ना जितना भी हिस्ट्री है पाकिस्तान का वो सारा कुछ इस किताब में है। तो आप ब्रीफ जो है ना पाकिस्तान हिस्ट्री को जो है ना पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद थर्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने की कोशिश करें, जिसमें आपको पता हो कि कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, वर्ल्ड मेजर रिवर्स कौन से हैं, डेजर्ट्स कौन से हैं, सी कहाँ पे है और सी रूट्स कौन से हैं, ओशन कौन से हैं, इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें। ये सारा मटेरियल मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप जो है इन चीज़ों को कम वक्त में इन सारी चीज़ों को कवर करने की करेंगे। उसके अलावा फिर वर्ल्ड मैप को देखें अटलस से, और फिर जो है ना वर्ल्ड हिस्ट्री जो है इसको ब्रीफ पढ़े, मेनली आप जो है ना पढ़े मिसाल तौर पर पहली जंग अजीम, वर्ल्ड वार फर्स्ट है, वर्ल्ड वार सेकेंड है, इसके अलावा कोल्ड वार है, और इसके अलावा जो 9/11 इसके बाद के जो वाक़ात है पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट के जो इश्यूज हैं, इन चीज़ों को ब्रीफ आप पढ़ने की कोशिश करें। और फिर बाद में सिलेबस में भी आप लोग इनको कवर करेंगे डिटेल के साथ, लेकिन पहले ब्रीफ जो है ना बेसिक कंसेप्ट में इनको पढ़ने की कोशिश करें, प्रॉपर जो बुक रिकमेंडेड बुक है इनको पढ़ने से पहले। इसके बाद आखिर में जो है ना आप लोग पढ़े पॉलिटिकल साइंस के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, मिसाल के तौर पर स्टेट किसे कहते हैं, स्टेट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, स्टेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है, और गवर्नमेंट के कौन कौन से जो है ना हिस्से हैं, मिसाल के तौर पर लेजिस्लेचर किसे कहते हैं, पार्लियामेंट क्या चीज़ होती है, और इसके अलावा जो है ना जुडिशरी क्या है, और इसके अलावा जो है ना फिर एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं, फिर पाकिस्तान का जो है ना पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से है, कॉन्स्टिट्यूशन का आपको बेसिक आइडिया हो, अमेंडमेंट्स का आपको बेसिक आइडिया हो, इन चीज़ों को पढ़े। और लास्ट में जो है ना आप लोग पढ़े ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यूनाइटेड नेशन किसे कहते हैं, सार किसे कहते हैं, आसियान क्या चीज़, OIC किसे कहते हैं, इन चीज़ों का जो है ना आपको आइडिया हो। अब ये चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बता दिया, जब आप इन बेसिक कंसेप्ट को कवर करें, चाहे आपको 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, पहले आप जो है ना इन बेसिक कंसेप्ट को जो है ना कवर करें। टोटल प्रिपरेशन में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इनको 20 जो है ना परसेंट वेटेज देता हूँ, यानी आपकी टोटल जो प्रिपरेशन है उसकी 20% जो है ना एफर्ट आपकी बेसिक कंसेप्ट को कवर करने में लग जाए। एक दफ़ा अगर आप इन बेसिक कंसेप्ट को कवर करें, फिर ये जो है ना इसका पहला फ़ायदा तो ये होगा, आप जब ये रिकमेंडेड बुक पढ़ेंगे, आप जो है ना न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप वीडियोस देखें, अगर एक दफ़ा आप जो है ना इन बेसिक कंसेप्ट को कवर करते हैं, देख ले मैं बता रहा था कि अगर आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो वहाँ पे अगर ये बेसिक कंसेप्ट आ रहे हैं तो फिर हर एक कंसेप्ट को अलग अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट एक हद तक कोई 60-70% तक जो है ना आपके बेसिक्स जो है ना ऑलरेडी कवर हैं, तो फिर आप आसानी के साथ विदाउट एनी मतलब डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी हार्डल जो है ना हर एक आर्टिकल को पढ़ सकोगे, और वहाँ पे जो राइटर जो है या किसी बुक का अथर जो है वो क्या कहना चाह रहा है, वहाँ पे वो किस तरह से डिस्कशन कर रहा है, तो वहाँ से आप एक नतीजा जो है ना आप अखज कर सकोगे। तो इसलिए पहले आप बेसिक इन तमाम कंसेप्ट को कवर करें। अच्छा, अब इन बेसिक कंसेप्ट को कवर कहाँ से करें, मतलब बुक कौन सा उनके लिए पढ़े। अगर आप ये पढ़ते हैं ये बुक 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी, तो ये एक जो है ना इस तरह की एक जनरल बुक है,
यहाँ पे आप जो है ना जनरल डिस्कशन, एक जिसके कहते हैं ना कि आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्डअप करते हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू की किताब है कि यहाँ पे बेसिक्स नहीं दिए गए, मतलब एंड ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं और साउथ एशिया कहाँ पे है और इंडियन ओशन रीजन में कितने कितने कंट्रीज हैं, सार्क से क्या मुराद है, आसियान क्या चीज़ है, इस तरह के बेसिक डिफिनीशन यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको। और इस तरह से जितने भी दूसरे बुक्स हैं वहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो डिफिनेशन के साथ आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आप इन बेसिक कंसेप्ट को कवर करने के लिए इस तरह के बुक ले लें तो वहाँ कहाँ से आपको मिलेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट के लिए सबसे बेहतरीन जो मेरी अपनी एक्सपीरियंस है, जो तकरीबन सी एस एस के जर्नी में मैंने खुद छानबीन कर जमा किया, वो सबसे बेस्ट जो है ना ओ लेवल्स और ए लेवल्स की जो है ना बुक्स है, ओ लेवल और ए लेवल के जो बुक्स है वो सबसे बेहतरीन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किताब है, इसका नाम है पाकिस्तान हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी लुक और राइटर का नाम है फारूक नसीम बाजवा, ये मैं लिख के आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ आखिर में। और जो है ना ये किताब है और पाकिस्तान हिस्ट्री से के बारे में है और ओ लेवल जो है ना ये की एक टेक्स्ट बुक है। अगर आप इस बुक को ऑल बुक हाउस से 300-400 को आपको आपको मिलेगी ये ले लें और फिर यहाँ से आप पढ़े तो फिर आपको अंदाजा होगा कि शुरू से लेकर मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आज इस पाकिस्तान तक की एक जर्नी जो है इसके आपस में लिंक के साथ, लिंकेज के साथ, कोहेरेंस के साथ आप आसानी से पढ़ लोगे, फिर आपके एक कंसेप्ट बिल्ड होगा। और इसी तरह से एक और किताब यहाँ पे है मेरे पास जो मैं मैंने आप देख ले किताब, इसका नाम है पाकिस्तान ज्योग्राफी इकोनॉमी एंड पेपर और इसका जो राइटर है वो फजल करीम खान है और ये भी जो है ना ऑल लेवल के लिए लिखी गई ये किताब है। तो आप इस किताब को अगर ले लें तो फिर पाकिस्तान का पाकिस्तान की ज्योग्राफी इकोनॉमी जो है और पीपल, फिर इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर, इकोनॉमी की सर्विसेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और फिर इसकी तमाम जो है ना स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पर डिटेल से दी गई और बेसिक जो है ना लेवल पे दी गई है। पहले आप जो है इन बेसिक्स बुक को लेकर, फिर इसी तरह से यहाँ पे है क्रिस्टोफर की एक किताब है ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, आप ये देख ले जो है ना ये तकरीबन कोई है 200-300 सफ़े की किताब है, बहुत छोटी सी देख ले किताब है। और ये बिग बैंग से लेकर रशियन डिसइंटीग्रेशन तक यानी 1991 से लेकर 13.7 बिलियन ईयर्स अगो से लेकर यानी 1990 करंट हिस्ट्री यानी 1991 तक जो हिस्ट्री है बहुत ही ब्रीफ मुख्तसर जो है ना आसान अल्फाज में यहाँ पे दी गई है। अब इस तरह की किताबों को आप शुरू में पढ़े तो फिर आपको अंदाजा होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है और इकोनॉमी क्या चीज रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं। तो ये एक दफा अगर आपको क्लियर हो जाए फिर जाके जो है ना आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बुक पढ़े, फिर यूआर नू हरारी की किताब उठा के पढ़े, फिर गवर्निंग अनगवर्नेबल उठा के पढ़े या फिर जो है ना एनाटॉली की पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री उठा के पढ़े, फिर कोई भी बुक जो है ना आपको मुश्किल नहीं लगेगी। सबसे बड़ा मसला मैं खुद जब मैं शुरू किया तो मैं किसी से कंसल्ट किया तो सबने कहा पढ़ो वो बुक पढ़ो, रिकमेंडेड बुक पढ़ो। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो बेसिक्स मेरे जितना कोई स्ट्रांग नहीं थे, मुझे इनका आइडिया नहीं था तो मुझे बड़ा मुश्किल हुआ, बल्कि शुरू शुरू में सी एस एस जो है ना ये जो ना मैं नहीं कर सकता। लेकिन फिर बाद में मैं सबसे पहले जब बेसिक्स को कवर किया तो फिर मुझे मेरे लिए आसानी पैदा हो गई। एक तो आप जो है ना ओ लेवल्स और ए लेवल्स की जो बुक्स हैं वो जो है ना सर्च करें, हिस्ट्री ज्योग्राफी और पाकिस्तान जो है ना हिस्ट्री है इनको उठा के आप पढ़ें। सेकेंड जो है आपको यूट्यूब से मुख्तलिफ इस तरह के चैनल हैं वहाँ पे इन कंसेप्ट को जो है ना आप चैनल बाकायदा सब्सक्राइब करें और हिस्ट्री की जो है वीडियोस आपको मिलेंगे और वहाँ से पढ़े और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कोई मुख्तसर नोट्स भी बनाए, बना के जो है ना आइडियाज़ को जो है ना कवर करें, इन टॉपिक्स को आप कवर करें। थर्डली और फिर जो है ना गूगल से सर्च करें, मतलब ये तीन सोर्सेज इस्तेमाल करें, बेसिक बुक बुक्स यानी जो है ना मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो मैं जो ना आप लेंगे रिकमेंड करूँगा वो ए लेवल्स के बुक्स हैं और उनसे ले लें। फिर यूट्यूब में देखें अगर कोई चीज़ आपको इन बुक से भी क्लियर नहीं हो रहा या आप यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा, और फिर उसके बाद थर्ड जो है ना गूगल पर सर्च करें और वहाँ से पढ़ें। अब 20% जो है ना आपकी एफर्ट जो है वो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर होनी चाहिए। अगर एक दफ़ा अगर आप बेसिक कंसेप्ट को कवर करें फिर आप प्रॉपर सिलेबस को सामने रख के फिर रिकमेंडेड बुक्स को लेके फिर जो है ना आप सिलेबस की तैयारी जो है ना शुरू करें, फिर उसको सिलेबस स्टडी कहते हैं। और यहाँ पे फिर आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप इंग्लिश को कवर करेंगे, दूसरे बुक्स को किस तरह से पढ़े अब मैं डिस्कस करता हूँ, ये आप करें। तो फिर एक दफ़ा अगर आप सिलेबस को कवर करते हैं, इस्लामिया, जनरल साइंस और करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, जितने भी इश्यूज दिए गए हैं सिलेबस में वो पढ़ते जाए और फिर वहाँ से हाईलाइटर से जो है इनको हाईलाइट करते जाए और नोट बनाते जाए, नोट्स बनाते जाए, तो एक दफ़ा अगर आप इनको कवर करें, सिलेबस आपका कवर होता है, फिर थर्ड आपका जो लास्ट स्टेप शुरू होता है
ये कोट आपको आपकी मतलब शुरू होनी चाहिए पेपर से तकरीबन कोई 3-4 महीने पहले, कम से कम 2 महीने पहले जो है आप स्टार्ट करें, फिर आप पेपर अटेम्प्टिंग शुरू करें। यानी जितने भी पास पेपर्स हैं एक प्रिंट निकाल के अपने सामने रखें बुकलेट्स की सूरत में, और फिर जो है ना ईयर बाई ईयर जो है ना सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट जो है ना आप पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करें, क्वेश्चन को ले लें और उनको पढ़े, फिर जो है ना उनके आंसर लिखे, किसी को किसी से चेक कराए या जो है ना दोस्तों से या किसी मेंटोर से जो है ना उनकी इवैल्यूएशन कराए, और इसी तरह से जो है ना पेपर अटेम्प्ट करते जाए पेपर तक। देख ले सीएसएस के जो कैंडिडेट्स हैं, मैं खुद जब जो है ना सीएसएस की मैं प्रिपरेशन कर रहा था शुरू में जो है ना मुझसे भी यही मिस्टेक हो रही थी कि हम जो है ना ज़्यादातर पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियो सुनते हैं, चीज़ों को जो है ना इनटेक इनकी ज़्यादा करते हैं यानी लर्निंग इनकी करते हैं, लेकिन फिर इसके आउटपुट जो है यानी इनकी री जो है ना क्रिएशन जो है ना हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते। यानी फिर इन चीज़ों को लिखने की जो है ना पेपर अटेम्प्ट करने की या किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने के ऊपर हम फोकस नहीं करते। इसका नुकसान ये होता है कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको एक खासा इल्म होता है, लेकिन आप जब पेपर में आपसे पूछ रहा होता है कि इस चीज़ के बारे में लिखें या इसको क्रिटिकली एनालाइज करें, फिर जो है ना आपके आप एक्सपीरियंस नहीं होता, आपकी एक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती थी, फिर इसको आप ठीक तरह से नहीं लिख सकते जिस तरह से आपको आता होता है। तो इसलिए पेपर अटेम्प्टिंग के ऊपर जो है ना 30% तकरीबन जो है ना आप फोकस करें, एंड टोटल प्रिपरेशन की 50% सिलेबस कवर करें, 20% जो है ना बेसिस के ऊपर लगाएं, 30% जो है ना आप राइटिंग के ऊपर फोकस करें, पेपर अटेम्प्टिंग के ऊपर फोकस करें और पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करें। अगर इस तरह से आप अपने प्रिपरेशन को मैनेज कर सके तो फिर जो है ना आप जो है यकीनन जो है ना आप श्योरिटी के साथ आप रिटर्न क्वालिफाई कर पाओगे। मेरा पीएमएस एक्सपीरियंस था और यही शेड्यूल मेरा था, यही मेरा जो है ना कह सकते हैं स्ट्रेटजी थी मेरी, तो पीएमएस भी मेरा क्वालिफाई हुआ और इसी तरह से सीएसएस भी मेरी यही स्ट्रेटजी थी, इसी तरह से सीएसएस भी मैंने क्वालिफाई किया। अच्छा, अब मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, जब एक दफ़ा आप बेसिस कवर करते हैं और फिर प्रॉपर सिलेबस की तरफ आप प्रॉपर सिलेबस की तैयारी शुरू करते हुए आप लोग नोट्स किस तरह से बनाए। यानी सीएसएस की जो एक ही जो इसकी स्ट्रेंथ है वो यही है कि इसकी सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, यानी इसकी जो है ना वो यानी इसकी डाइवर्सिटी जो है ना बहुत ज़्यादा, यानी 12 पेपर्स आपने देने हैं, इसकी तैयारी करनी है और फिर हर एक पेपर को उठा के देखे तो उसका सिलेबस स्टफ जो है बहुत ज़्यादा है। तो फिर किस तरह से जो है ना आप इन चीज़ों को पढ़ते जाओ फिर अपने साथ रिटेन करें, जब बाद में देखें फिर आप इस तरह ना हो कि आप दोबारा आसानी से इनको रिमाइंड कर सके, इनको फिर दोबारा जो है ना आप इनको रिफ्रेश कर सके। तो इसके लिए नोट जो है ना वो प्रिपरेशन या नोट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर नोट किस तरह से आप बनाए अपने लिए, नोट प्रिपेयर किस तरह से करें, तो इसके लिए आप जो है ना दो स्ट्रेटजी जो है ना वो स्ट्रेटजी आप यूज करें, यूटिलाइज करें। नोट जो है आप शॉर्ट फॉर्म में भी बनाए और नोट जो है आप वर्ड फॉर्म में भी बनाए। सॉफ्ट फॉर्म में आईपैड रखे, मेरे पास खुद आईपैड है, मैं यहाँ पे जो है ना बुक्स सॉफ्ट फॉर्म में भी थे और मैंने खुद भी नोट्स बनाए यहाँ पे, और या लैपटॉप अगर आपके पास है तो वहाँ पे एक फोल्डर बनाए और वहाँ पे वर्ड जो है फाइल क्रिएट करें और फिर वहाँ पे जो है ना आप नोट बनाए। वो किस तरह से करें, मिसाल के तौर पर आप गूगल पर पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कोई आपको एक इस तरह का एक पैराग्राफ मिल गया या आपको एक आर्टिकल वहाँ से आपको पढ़ने को मिला, मिसाल के तौर पर इंडिया हिस्ट्री के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, या जो है ना इन्वायरमेंटल के हवाले से जनरल साइंस में, या इसी तरह से कोई साइंस का टॉपिक है, या पाकिस्तान की इकोनॉमी में जितने भी मसाइल हैं इनके बारे में कोई एक अच्छा सा आर्टिकल आपको मिला, तो फिर वहाँ से जो है ना आप कॉपी करें और फिर अपने फोल्डर में पेस्ट करें, फिर उस पर आप टाइटल दे दें और इसी तरह से आप नोट बनाते जाए। और फिर इसी तरह से अगर आप आर्टिकल पूरा पेस्ट नहीं करते तो फिर इसका लिंक वहाँ पर जो है ना पेस्ट करें, उसके ऊपर डिटेल लिखे कि फलान राइटर ने फलान टॉपिक के ऊपर लिखा है, तो फिर वो वहाँ पर हो और जब ज़रूरत पड़े तो फिर आसानी के साथ जो है ना आप इसको एक्सेस कर सके। एक तो शॉर्ट फॉर्म में बनाए, वहाँ पे जो है ना आपके पास मैप्स भी हो, वहाँ पे आपके पास ग्राफ्स हो, वहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ केस स्टडीज हो, मिसाल के तौर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे चाइल्ड अब्यूज के बारे में कोई एक तरह से आर्टिकल पब्लिश हो गई, बहुत ज़्यादा आपको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, तो फिर वो जो है ना वहाँ पे आप पेस्ट करें इस फोल्डर में। इसका फ़ायदा ये होगा जब जून जो आपके पेपर्स करीब आएंगे या आप जो है ना अपने लास्ट स्टेज पेपर अटेम्प्टिंग की तरफ जाएंगे, फिर उस वक्त दोबारा से इन सारे किताबों को, इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस फोल्डर को ओपन करें, करंट अफेयर का एक फोल्डर है और वो ओपन करें, वहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं, मटेरियल्स हैं, जो भी जहाँ जहाँ भी पढ़े हैं सारों के लिंक्स वहाँ पे मौजूद हैं या सारे खुद वहाँ पे आपने पेस्ट किया हुआ है, तो वहाँ से जो है ना आप आसानी से एक्सेस कर सकोगे और इस तरह से जो है ना आप कम टाइम में जो है ना तमाम चीज़ों को दोबारा से आप जो है ना रीएक्सेस कर सकोगे। तो एक जो आप सॉफ्ट फॉर्म में बनाए, चाहे लैपटॉप आपका है, मोबाइल है या आईपैड है, लैपटॉप और आईपैड जो है ना आपके लिए बेहतर रहेगा, तो वहाँ पे हम चीज़ों को जो है ना आप स्टोर करें, आप जो है ना नोट्स बनाएं।
और हर एक सब्जेक्ट के लिए जो है ना आप अलग अलग फोल्डर बनाए और वहाँ पे आप उन चीज़ों को जो है स्टोर करते जाए। और करंट अफेयर का जो फोल्डर है वो उसको हर रोज जो है ना आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे और फिर जो है इसको आप जो है ना रिफ्रेश करते जाओगे, अपडेट करते जाओगे, जो जो नए नए जो है ना इवेंट्स आएंगे वहाँ पर आप जो है ना एड करते जाओगे। इसके अलावा हार्ड फॉर्म में भी नोट्स बनाना जो है बहुत ज़रूरी है। इसका फायदा ये है कि जब आप शॉर्ट फॉर्म में बनाओगे और फिर बुक से आप पढ़ोगे, आर्टिकल से आप पढ़ोगे, फिर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी। जब तक आप हार्ड फॉर्म में नोट्स नहीं बनाओगे, बुलेट फॉर्म में या ब्रीफ नोट नहीं बनाओगे, फिर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी और फिर पेपर में जो है आप उन चीज़ों को रिक्रिएट करके आसानी से नहीं लिख सकोगे। इसलिए मैं खुद जो है ना तकरीबन कुछ 60% मेरे नोट्स जो है वो तकरीबन हार्ड फॉर्म में है और 40% जो है वो शॉर्ट फॉर्म में है। तो हार्ड फॉर्म में जो है ना हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग एक फोल्डर बनाए या इस तरह से अलग एक नोटबुक बनाए और वहाँ पर जो है ना फिर आप उन चीज़ों को पढ़ के फिर लिखे सिलेबस वाइज वहाँ पर टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो करंट अफेयर के नोट्स हैं हार्ड फॉर्म में, वहाँ पर मैंने शुरू में लिखा है फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर में न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, और न्यूक्लियर पॉलिटिक्स में वहाँ पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किस तरह से शुरू हुआ बुलेट पॉइंट में मैंने लिखा है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है ना वो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है और फिर पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो चैलेंजेस हैं वो क्या है, तमाम तमाम चीज़ों को जो है ना मैंने नोटबुक में जो में लिखा है। और इसी तरह से फिर नेक्स्ट मेरा जो मैंने टाइटल दिया है वो हाइड्रो पॉलिटिक्स है, फिर इंडियन ओशन का है, फिर इसी तरह से एजुकेशन का है, फिर इसी तरह से प्रोविंसेस के मसाइल हैं इनके बारे में है। तो इनको बुलेट फॉर्म में तकरीबन हर एक इशू के ऊपर कोई 1 पेज या 2 पेजेस के जो है ना मैंने नोट्स बनाए। और इसी तरह का इस्लामियात का मैंने बनाया, ज़कात के जब के बारे में मैंने लिखा है तो वहाँ पर उनके आयात को मैंने इकट्ठा किया है, अहादीस मैंने लिखे हैं, कुछ कोटेशंस मैंने लिखे हैं। इस तरह के हर एक सब्जेक्ट का मैंने नोट्स बनाए, इवन मैंने जनरल साइंस जो है इसके भी मैंने नोट्स बनाए हार्ड फॉर्म में। एक इस तरह से जो है ना आप नोट्स बनाए। अच्छा जी, आप नोट्स बनाते वक्त आप किस तरह से नोट बनाए, मतलब किन चीज़ों को जो है ना आप फोकस करें, किन चीज़ों को फोकस करके आप नोट्स बनाएं, इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको आप लोगों के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये है, एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ये है कि नोट्स बनाते वक्त सिलेबस के साथ साथ आपके सामने जो है ना पास पेपर्स भी हो। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं पाकिस्तान अफेयर से सर सैयद अहमद खान के बारे में, सर सैयद के सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे हैं, अलीगढ़ तहरीक के बारे में पढ़ रहे हैं, सिलेबस में लिखा है कि सर सैयद अहमद खान की जो खिदमात है इनके बारे में आप पढ़ें, वो बुक्स में आप बुक में उठा के आप पढ़ रहे हैं, वीडियो में आप जो देख रहे हैं या किसी जो है ना आर्टिकल से आप पढ़ रहे हैं, और पास पेपर में देखे कि जो है ना प्रीवियस 3-5 सालों में जो है ना सर सैयद अहमद खान के बारे में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। एक पेपर में आया हुआ है कि सर सैयद अहमद खान के बारे में लिखे और अलीगढ़ तहरीक के बारे में लिखे। एक पेपर में आया हुआ है कि अलीगढ़ तहरीक की वजह से पाकिस्तान की आज़ादी किस तरह से मुमकिन हुआ, तो उस देख लीजिए एक अलग डायमेंशन है। और एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि सर सैयद अहमद खान की जो है ना एफर्ट्स की वजह से मुसलमानों में पोलिटिकल अवेयरनेस किस तरह से आई। एक में लिखा है कि सर सैयद अहमद खान की वजह से एजुकेशनल जो अवेयरनेस है वो किस तरह से आई है। तो इन चीज़ों को जो है ना तो फिर आप जो है ना इन डायमेंशंस को देखें पास पेपर से। जब तक पास पेपर आपके सामने नहीं होंगे फिर आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि सर सैयद अहमद खान की इन सर्विसेज को मैं किस तरह से देखूं। और इसी तरह से अगर आप उठाए मिसाल तौर पर आपके सिलेबस में दिया है कि इंडियन ओशन को पढ़े, और अगर आप पास पेपर्स को उठा कर देखें करंट अफेयर के जो CSS 2020 में हमने दिया तो वहाँ पर लिखा था कि इंडियन ओशन में जो है ना पाकिस्तान और इंडियन जो इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस की वजह से अमेरिकन प्रेजेंस इंडियन ओशन में इंडो पाक रिलेशंस को किस तरह से डिस्टर्ब करें, देख लें ये एक डायमेंशन है। तो आप आर्टिकल में बुक में उन चीज़ों को पढ़ें कि अमेरिकन प्रेजेंस से जो इंडियन ओशन है इसमें इंडो पाक रिलेशन किस तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के हवाले से या दूसरे जितने भी रिलेशन किस तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। या एक बात तो ये है कि चाइना की जो सीपेक है या BRI प्रोजेक्ट है इस वजह से इंडियन ओशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, या इस तरह है कि इंडिया जो है ना वो इंडियन ओशन को किस तरह से हेजमोनाइज कर रहा है। देख ले एक ही टाइम में एक ही टॉपिक के हवाले से 3 डिफरेंट डायमेंशन है। तो जब तक आप पास पेपर्स को ना देखेंगे, पास पेपर आपके सामने मौजूद ना हो, तब तक जो है ना आप इन डिफरेंट डायमेंशन को आप जो है ना अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे। इसलिए नोट्स बनाते वक्त सिलेबस के साथ पास पेपर की भी एक बुकलेट आप तमाम पास पेपर प्रिंट निकाल के इनके बुकलेट बनाए वो भी आपने सामने रखे, और जो है बार बार जो है ना इनको जो है ना आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो पास पेपर्स में से इन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको देखने की कोशिश करें। फिर इस हवाले से आप नोट्स बनाएं
कि मतलब कोई भी डायमेंशन जो है ना आपसे मिस ना हो, इस तरह ना हो कि आप पढ़ के जाए यहाँ पे टॉपिक कवर करके जाए और वहाँ पे इस तरह का एक डायमेंशन आ जाए जिसको जो ना आप कवर ना कर सको, तो फिर आपकी जो एफर्ट है जो है ना वो फिर आपके लिए कोई फायदा मंद नहीं होगा। तो फिर नोट्स बनाने की जो है टेक्निक मैं लोगों के साथ शेयर किया कि सॉफ्ट में भी बनाए और हार्ड फॉर्म में भी बनाए, फिर जो है ना हार्ड फॉर्म और सॉफ्ट फॉर्म में बनाते हुए जो है ना आप पास्ट पेपर से इन डायमेंशन को जरूर देखें कि हर एक टॉपिक के डिफरेंट कितने डायमेंशन बन रहे हैं, तो इन तमाम डायमेंशन को कवर करने की कोशिश करें। अच्छा, एक दफा अगर आपके नोट्स बनते हैं, अगर आप जो है ना आपके ये 50% जो प्रेपरेशन है अगर आप इसको आप कवर करते हो, तो फिर आपका लास्ट जो है फिर वो पेपर अटेम्प्टिंग का है। मतलब कोई तकरीबन आपका सिलेबस अगर इसी तरह से कवर होता है, तकरीबन आपके नोट्स बन जाते हैं इस तरह से ब्रीफ यानी बुलेट पॉइंट में, यानी मुख्तसर से आपके नोट्स बन जाते हैं। आखिर के तकरीबन 2-3 महीने जो है ना आप फिर फोकस करें, कम अज कम 2 महीने आप जो है ना लगाए। फरवरी में आपके पेपर हो रहे हैं तो दिसंबर की मिड से जो है ना आप पेपर अटेम्प्टिंग शुरू करें, पास्ट पेपर जो है ना वो सॉल्व करना शुरू करें, और तब से जो है ना फिर प्रॉपर आप ऐसे राइटिंग शुरू करें, फिर आप प्रेसी की पेपर उठा के वो कर ले, फिर करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर के जितने भी पेपर्स हैं वो कर ले, और उसके बाद फिर इनकी इवेल्यूएशन भी कर ले, किसी एकेडमी से कर ले या किसी मेंटोर से कर ले या किसी दोस्त से कर ले जो सीएसएस में कामयाब हुआ है या इसके आपके साथ जो तैयारी कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो कॉम्पिटेंट इनफ है तो फिर इससे इवेल्यूएशन करें, और फिर इसी तरह की अगर प्रेपरेशन अगर आप जारी रखें फिर जाके जो ना आप रिटर्न क्वालिफाई कर पाओगे। अच्छा, अब लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे फिर वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में फिर आपको मैं बताता हूँ कि इंग्लिश एसे जो है इसको आप किस तरह से ले लें। अब देख लें हमारे सी एस एस जो है प्रेपरेशन में या रिटर्न के एग्जाम में जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो अब फेल हो जाते हैं रिटर्न में, वो तो आप लोगों को मालूम है कि वो एसे में फेल हो जाते हैं। एसे की जो है वो फेलियर रेशियो जो है सबसे ज़्यादा है, उसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है कि मतलब हम इंग्लिश एसे को एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, इंग्लिश ऐसे को एज ए स्किल नहीं लेते। मेरे ख्याल में इंग्लिश ऐसे जो है, इंग्लिश लिखना जो है एक स्किल है, जब तक आप स्किल को जो है ना लर्न नहीं करोगे तब तक जो है ना आप इसमें कामयाब नहीं हो सकोगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे दोस्त थे वो सी एस एस की प्रेपरेशन कर रहे थे या दूसरे हम जो कैंडिडेट एस्पायरेंट्स हैं इनको मैं देखता हूँ, तो उनका जो स्ट्रेटजी है वो कुछ यूँ होता है, वो लोग सारे जो है मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर ऐसे लिखते हैं, पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर लिखते हैं या डेमोक्रेसी के ऊपर लिखते हैं या एजुकेशन के ऊपर लिखते हैं या रेडीमेड ऐसे इनको मिल जाते हैं नेट से या किसी किताब से मिल जाते हैं, तो उनको लिख के फिर इनका रट्टा लगाते हैं, इनको याद करते हैं और फिर कहते हैं कि जी मेरे तकरीबन कोई 15-16 ऐसे तैयार हैं, कोई कहता है कि मेरे 20 ऐसे तैयार है, और फिर इनको याद करते हैं, इनको बार बार लिखते हैं और वहाँ पर ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स हैं इनको जो है ना वो ख़त्म करते हैं, और फिर कहता है कि जी मेरा जो है ना ऐसे की तैयारी कम्प्लीट है। इस तरह से फिर जो है ना आप ऐसे जो है ना वो फिर पास नहीं कर सकोगे, क्योंकि हो सकता है कि पेपर में जो ऐसे आपने प्रिपेयर किया है वो ना आए, या अगर आपने जो ऐसे प्रिपेयर किया है वो कोई दूसरा बंदा भी उसी सोर्स से तैयार किया हो और फिर जो है ना आप जो है ना उसकी जो है ना फिर इसी तरह से आप क्वालिफाई ना करो ना कर सकोगे ना कर सको, तो फिर सी एस एस की ऐसे की जो तैयारी आप किस तरह से करें? देखिए मेरी स्ट्रेटजी ये थी, पहली बात ये है कि मैं रोजाना जो है ना डॉन न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल में उठाता था और इस एडिटोरियल को 2-3 मरतबा में पढ़ता था, पढ़ने के बाद उसको फुली जो है ना अंडरस्टैंड में करता था, और जब मैं फुली अंडरस्टैंड करने के बाद फिर जो है ना मैं उसको अपने अल्फाज में फिर मैं लिखता था। बाकायदा मेरी एक नोटबुक है जिसमें सिर्फ मैं एडिटोरियल में लिखता था और डेट लिख के उसके ऊपर, और फिर एडिटोरियल में पढ़ता था, लिख के फिर उसको अपने अल्फाज में फिर मैं लिखने की कोशिश करता था। अब इसका देख ले, इसके कुछ फायदे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हेलो सर, पहली बात हेलो सर चंदमल होगा को सर आवाज क्या नहीं थे? जी 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 सर हेरा इसको नहीं क्या वेटिंग रूम इन अफ्रीका सुनिए हेदन 8 को की छत सही इको नेट वगैरह और इंटरनेट भी जैसे रूम में कुछ स्टूडेंट्स से कोई 8 10 कर देता हूं। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा, आप देख ले सी एस एस की जो बहुत ही एक हेल्थी स्ट्रेटजी है, मैंने शुरू में आपको बताया कि मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप पी एम एस और सी एस एस तकरीबन अभी तक मैं जो है ना 2 PMS के मैंने अटेम्प्ट दिए और 2 CSS के दिए, लेकिन कभी भी मेरा ऐसे फेल नहीं हुआ। यही एक वेरी हेल्थी एक स्ट्रेटजी है जिसको आप कह सकते हैं मुजर्रब अमल, यानी जिसको मैंने खुद जो है ना तजर्बा किया है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि रोज़ाना मैं एक एडिटोरियल को मैं पढ़ के उसको रिक्रिएट कर देता। अब मैं बता रहा था कि इसका फ़ायदा क्या है।
इसका फायदा ये है कि न्यूज़पेपर में जो ओपिनियन आ रहे हैं उसका जो है ना एक अथर होता है, एक बंदा जो है ना इसको लिखता होता है। अब जो बंदा ओपिनियन लिख रहा है, पहली बात यह है कि जब सिंगल इंडिविजुअल कोई आर्टिकल लिखता है तो इसमें एरर जो है ना, मिस्टेक्स या ग्रामेटिकल एरर होने के चांसेस होते हैं। कोई इस तरह का एक राइटर होगा जो मतलब बिल्कुल जो है ना उसमें कोई भी गलती ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, बहुत ही कम होते हैं। पहली बात है कि इसमें कुछ जना ग्रामेटिकल वगैरह इस तरह के मिस्टेक्स होते हैं, ओपिनियन में भी होते हैं। दूसरी बात यह कि अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक ना, दूसरी बात यह है कि अगर एक इंडिविजुअल अगर एक ओपिनियन लिखता है तो फिर वो या तो पॉलिटिकली बायस्ड होता है या फिर रिलीजियसली। यानी जाहिर सी बात है, अगर मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मेरा ताल्लुक किसी एक पार्टी के साथ है, तो मेरे अंदर इमोशन उसी के साथ जो है ना लिंक होते हैं, और मैं किसी भी चीज़ के ऊपर लिखूँ तो फिर उसी लेंसेज के अंदर मैं देखूंगा रिलीजियसली भी और पॉलिटिकली भी। इसके चांसेस हैं कि फिर कोई भी ओपिनियन जो है ना वो पॉलिटिकली या रिलीजियसली फिर वो बायस्ड हो। अच्छा, दूसरी बात यह है, तीसरी बात यह है, और फिर अगर आप ओपिनियन पढ़ते हैं तो हर रोज आप डिफरेंट अगर ओपिनियन पढ़ोगे तो फिर हर रोज कोई डिफरेंट जो है ना राइटर के अगर ओपिनियन आप पढ़ोगे तो फिर हर बंदे की जो है ना लिखने का जो अंदाज है वो डिफरेंट होगा, असलूब जिसे कहते हैं वो डिफरेंट होगा। किसी का बहुत ही जो है ना मुश्किल इंग्लिश होगी, किसी की जो है ना इंग्लिश जो है ना बहुत ही आसान होगी। तो इस तरह से डिफरेंट असलूब जो है ना आप पढ़ेंगे तो फिर आप में जो है ना वो एक नहीं रहेगी, एक कोहेरेंस नहीं रहेगी। अब जब आप एडिटोरियल अगर पढ़ोगे तो इसका फायदा ये होगा, पहली बात ये है कि जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो फिर डॉन आर्टिकल में एडिटोरियल को कोई एक बंदा नहीं, बल्कि एक एडिटोरियल डेस्क जिसे कहते हैं वहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं, चीफ एडिटर होता है, फिर सब एडिटर राइटर होते हैं, ये सारे मिलकर जो है ना फिर इसको लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मिस्टेक जो है ना बिल्कुल ना होने के बराबर है। दूसरी बात ये है कि फिर इसका जो अंदाज जो है वो चूंकि डॉन न्यूज़पेपर है वहाँ पे लोग एम्प्लॉय वहाँ पे है, वो मुस्तकिल तौर पे लिख रहे हैं, तो फिर इसके जो राइटिंग जो वो है वो सेम रहेगी। तीसरी बात ये है कि वो न्यूज़पेपर की एडिटोरियल डेस्क इसको लिख रही है तो इसलिए वो पॉलिटिकली भी अनबायस्ड होगी और फिर वो रिलीजियसली भी अनबायस्ड होगी। और इसका आखिरी जो फायदा ये है वो ये है कि हमेशा एडिटोरियल जो है ना वो करंट इश्यूज पे लिखते हैं। मिसाल के तौर पर आज का जो बड़ा अहम इशू है, जो वाकया है आज का, तो वो कल के एडिटोरियल में आएगा और फिर कल वाला जो है ना वो परसों आएगा, और फिर जो है ना आप करंट अफेयर के साथ लिंक रहोगे। और आखिर इसका फायदा ये होगा कि हर एडिटोरियल में इस तरह के वोकेबुलरी आएंगे जिनको आप डिक्शनरी में सर्च करो, और इस तरह से फिर आप जो है ना इंग्लिश की जो वोकेबुलरी है वो भी जो आपकी इंक्रीज होनी चाहिए। अगर आप रोजाना एडिटोरियल को पढ़ेंगे और जी पार्टिसिपेंट अगर आप अपने माइक जो है ना वो म्यूट करें, अच्छा आप एडिटोरियल को पढ़े फिर इसको जो है ना रिक्रिएट करें अपने अल्फाज में लिखे, तो फिर इससे फायदा ये होगा। देख ले, पहली बात तो ये है कि आप रोजाना वहाँ से 3-4 वोकैबुलरीज आप जो है ना वो नया आप सीखते जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप करंट अफेयर के साथ आप लिंक्ड है, फॉर एग्जाम्पल आज का जो करंट जो इशू है वो एडिटोरियल में आएगा, करंट इशूज के साथ आप लिंक है। तीसरी बात यह है कि आप इंग्लिश ऐसे और प्रेस दोनों की जो है ना आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस, अगर आप ये जो है ना काम 2-3 महीने तक जारी रखोगे, फिर खुद आपको अंदाजा होगा कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट आई है। आप जो है ना आपकी इंग्लिश जो राइटिंग है, आप एक सेंटेंस किस तरह से स्टार्ट करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखते हैं, फिर उसको किस तरह से कंक्लूड करते हैं, ये मैं आपको बता नहीं सकता, एक स्किल है। और ये स्किल 2-3 महीने के अंदर खुद ब खुद आप में आ जाएगी, और आपको खुद अंदाजा होगा। आप खुद उस वक्त कंपेयर करके देख ले अपने फर्स्ट राइटअप और लास्ट राइटअप को कंपेयर करके देख ले, आपको खुद अंदाजा होगा आपने कितना इंप्रूव किया है। जिस तरह से बंदा एक फुटबॉल खेलता है ना, वो एक स्किल है। आप अगर किसी को भी समझाओ कि इस तरह से फुटबॉल खेले, उसको समझ नहीं आएगी जब तक वो फुटबॉल लेके खुद ग्राउंड में ना जाए और वहाँ पे मिस्टेक्स ना करे और फिर वहाँ से खुद ना सीखे। तो इसी तरह से राइटिंग भी एक स्किल है। अगर आप इस तरह से जारी रखो इस अमल को, तो 2-3 महीने के अंदर जो है ना आप में एक बहुत ही ट्रिमेंडस एक इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगी। आप जो है इसी तरह से फिर आपको स्किल जो है ना आपको आएगी। अब आपकी आप एक राइटिंग स्किल आप जो है ना राइटिंग स्किल आपकी एक जो है ना इम्प्रूव हुई है, फिर उसके बाद जो भी टॉपिक जो आपसे कहेगा जिस वक्त भी कहेगा आप आसानी के साथ लिख सकोगे। मैं अपना एक आपके साथ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं जो ना ऐसे कि मैंने प्रिपरेशन इस किताब से जो बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं फिर मेरी फेवरेट बुक है ऐसे में, मैंने इसमें फेवरेट बुक लिखा था बायोडाटा में, और ये युवाल नूह हरारी की किताब है 21 Lessons for 21st Century। इस बुक से मैंने तकरीबन 2-3 एसेस मैंने मतलब इनके लिए एक आइडिया मैंने डेवलप किया था, ऐसे मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। वैसे आइडिया एक तो ये है कि सेंचुरी में टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्किंग,
या जितने भी रोबोट्स आ रहे हैं इस वजह से, इनकी इस वजह से मतलब ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है या ह्यूमैनिटी है इसको किस तरह से थ्रेट्स लायक है। एक इस तरह का मैंने वो किया था कि अगर इस तरह के ऐसे आ जाए इसके ऊपर लिखूंगा। सेकेंड मैंने तैयार किया था कि इकोलॉजिकल चैलेंजेस यानी आजकल के जो डिजास्टर आ रहे हैं, इन्वायरमेंटल जो चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इन वो कितने खतरनाक हैं, वो कितने सीवियर हैं और इनकी डायमेंशंस किस तरह है और इनको हम किस तरह से कोप कर सकते हैं। और फिर ऐसे मैंने इस तरह से तैयार किया था। थर्ड ऐसे फिर मैंने जो है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से डेमोक्रेसी को किस तरह से थ्रेट लाइक है, इन चीज़ों को मैंने जनरली एक आइडिया बनाया था कि अगर इस तरह से ऐसे आ जाए तो फिर यहाँ से जो है ना मैं कुछ जो है ना वो चीज़ें मैंने ली थी स्टॉक, मैंने कहा था कि इस तरह का मैं ऐसे लिखूंगा। फिर मैं जब चला गया पेपर में, ऐसे के पेपर में मैं बैठा तो इससे रिलेटेड कोई भी ऐसे नहीं था, लेकिन पहले से मेरी राइटिंग की प्रैक्टिस थी, मेरे अंदर एक स्किल थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर जितने भी टॉपिक्स थे उनमें से एक ही जो आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि टूरिज्म का जो टॉपिक था वो मैंने कहा कि इसको जो है ना मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ। हालांकि टूरिज्म की प्रिपरेशन मैंने की नहीं थी, कोई डेटा मेरे पास नहीं था, कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं था मेरे पास, कोई भी जो है ना मेरे पास इस तरह के वैल्यूज नहीं थे कि टूरिज्म से पाकिस्तान को फ़ायदा कितना है, इसके कितने हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, वहाँ से हम एनुअली कितना कमाते हैं, कुछ भी डेटा मेरे पास नहीं था। मैंने उस वक्त अपने माइंड पे जो है ना टूरिज्म के लिए मैंने एक आउटलाइन वहाँ पे रफ मैंने स्केच किया। फिर तकरीबन कोई 30-40 मिनट मेरे लगे क्योंकि उसके लिए मैं तैयार नहीं था, और फिर मैं उसके ऊपर लिखा और तकरीबन 2 घंटा 10 मिनट मैंने उसके ऊपर लिखा। इतने टाइम मेरे पास बचे थे जब मैंने उसका रफ स्केच तैयार किया और जब मेरे नंबर आए तो फिर जो है ना ऐसे मेरा पास हो गया। और हमारे कितने इस तरह के दोस्त थे जो ऑलरेडी ऐसे वो तकरीबन 20-25 ऐसे वो तैयार करके गए थे और वहाँ वो लिख के आए और वो पास नहीं हुए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे को आप सब्जेक्ट ना लें, रट्टा ना लगाए, जो है ना ऐसे जो है ना आप लाइन बनाएं याद करने की कोशिश ना करें, आउटलाइन पर उनको रट्टा लगाने की कोशिश ना करें, बल्कि इसको एज ए स्किल यानी इंग्लिश लिखने की जो स्किल है इसको डेवलप करें। और इसको आप किस तरह से डेवलप कर सकोगे, जो मैंने आपको बताया कि रोजाना सिर्फ एक एडिटोरियल लिखे, सुबह उठे और फिर एक न्यूज़पेपर पढ़े, वहाँ पे सिर्फ एक एडिटोरियल लिखे, आप जो है ना आप इसको रेगुलरली करें, रोजाना कभी भी इसको मिस ना करें, रोजाना लिखें। अगर आप रोजाना लिखोगे तो मैं चैलेंज के साथ आप लोगों से मैं कहता हूँ कि 1-2 महीने के अंदर आप इतनी इंप्रूवमेंट आएगी जो है ना आपके तसव्वुर से भी बाहर है। तो आपको खुद अंदाजा होगा जो है ना आपने कितनी इंप्रूवमेंट आई है। इस एडिटोरियल को मतलब रेगुलर पढ़ने से 1-3-4 फायदे आपको होंगे और फिर ऐसे जो है ना कभी भी आपका फेल नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो यानी जो मैंने खुद यानी ये इस तरह की चीजें हैं मैंने खुद इस जो है ना मरहले से मैं गुजरा हूँ। रिसेंटली मेरी लोकेशन हो गई है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में और मेरी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही बेसिक लेवल से, मैंने आपको बता दिया कि केपीके से मेरा ताल्लुक है, मेरी जो एजुकेशन है वो पहले चितार डिस्ट्रिक्ट से है और उसके बाद फिर पिशावर यूनिवर्सिटी से और वो भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, यानी केमिस्ट्री बिल्कुल इरिलेवेंट है, यानी सीएसएस का जो स्टफ है उससे बिल्कुल जो है ना बिल्कुल इरिलेवेंट है। इन तमाम चीज़ों को शुरू से मैंने पढ़ा तो मेरा जो एक एक्सपीरियंस था जिन चीज़ों को मैंने जमा किया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसका फिर आखिरी कंक्लूजन में दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद सर एक मिनट सर, कंक्लूजन से पहले कुछ जो है ना वो वेट कर रहे हैं मीटिंग रूम में, तो उनको ऐड कर लें काइंडली। चलो चलो ठीक है। अच्छा जी ये ऐड हो गए, 5 स्टूडेंट्स ऐड हो गए। अच्छा जी ये क्वेश्चंस लेने पहले क्वेश्चंस जो है ना वो लेने से पहले इनके ऊपर डिस्कशन कर मैं इसका फिर जो है ना एक बहुत शॉर्ट कंक्लूजन में दोबारा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सीएसएस की प्रिपरेशन यानी जो है ना रिटन पार्ट जो है इसकी प्रिपरेशन को जो है ना आप 3 हिस्सों में तकसीम करें। देख ले आप सीएसएस की तैयारी डायरेक्ट आप कोई इस तरह की भारी भारी किताबें मोटी मोटी किताबें उठा के पढ़ना शुरू ना करें और इसी तरह के बाहर के जो मैगजीन्स हैं वो उठा के पढ़ना शुरू ना करें, तो इससे आप जो है ना डिसहर्ट होंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप जो जितना भी आइडिया वहाँ पे है वो आप इसको ग्रास्प नहीं कर सकोगे। तो इसलिए शुरू करें बेसिक्स से लेकर, और बेसिक्स जो है ना आप 20% वेटेज इसको दे दें, बेसिक कंसेप्ट कवर करें और बेसिक कंसेप्ट मेनली आप कवर करें इकोनॉमी को और फिर कवर करें पाकिस्तान हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री और इसके अलावा जो है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ना इसको पढ़े। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बगैर ना आपका करंट अफेयर होगा, ना पाकिस्तान अफेयर होगा और ना जो है ना ऐसे के जितने भी स्टाफ है वो आपको जो है ना क्लियर नहीं होगा जब तक आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को नहीं पढ़ोगे। दो जो जंग जो वर्ल्ड वार्स हैं उनके बारे में पढ़े, कोल्ड वार के बारे में पढ़े, बेसिक पढ़े, फिर करंट अफेयर में आपको डिटेल में पढ़ोगे, फिर बेसिक इनके बारे में पढ़े आपको आइडिया होगा। उसके बाद लास्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े, यूएनओ के बारे में पढ़े, ओआईसी के बारे में पढ़े, सार के बारे में पढ़े, पहले इन बेसिक्स को कवर करें।
उसके बाद फिर आप जो है ना प्रॉपर तैयारी शुरू करें, सिलेबस सामने रख के, पास पेपर सामने रख के फिर शुरू करें, इस्लामियात पढ़े और फिर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और एवरीडे जनरल साइंस, यानी जो है ना जनरल साइंस एंड एबिलिटी वो करें, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो आप पढ़े। इस तरह से अगर आप एक दफा अगर सिलेबस कवर करते हैं, थर्ड जो है ना फिर आप राइटिंग के ऊपर फोकस करें, इन चीजों को दोबारा रिवाइज करें अपने नोट्स से, जो आपने शॉर्ट फॉर्म और हार्ड फॉर्म आपने कंपाइल किया है उन नोट्स से आप जो है ना इस्तेफादा करें, और साथ साथ पास पेपर्स को सामने रखें, इनको सॉल्व करने की कोशिश करें और किसी से एवेल्युएट भी करवाए, दोस्तों को दिखाए, मेंटोर को दिखाए, किसी अकेडमी में जाके चेक करवाए या किसी इस तरह के अपने दोस्तों को चेक करवाए जो ऑलरेडी सी एस एस के इस जो है ना इसमें वो जो है ना वो क्या है वो जो है ना इसको पास कर चुके हैं। तो इस तरह से आप अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो फिर आपकी जो है ना रिटर्न जो है ना जो है ना इत्मीनान के साथ, असेंबली के साथ आप जो है ना ये क्वालिफाई करते हैं। तो ये था एक जनरल जो है ना अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया, और इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन हैं वो जो है ना आप पूछ सकते हैं, ऑडियो में भी अपना जो है ना वो माइक अनम्यूट करें और फिर पूछें। पहले मैं समझता हूँ कि आप लोग जो है ना हैंड रेस करें और उसके बाद फिर जो है ना आप ऑडियो में पूछें तो फिर बेहतर होगा, दूसरे स्टूडेंट भी सुनेंगे और फिर इस हिसाब से आप लोगों के जो है ना वो मैं क्वेश्चन आंसर करूँगा। आप इसमें यहाँ पर देख लें, आप क्वेश्चन जो है वो उनको जनरल रखें, बहुत स्पेसिफिक ना रखें, जनरल इस तरह से रखें कि दूसरों को भी फ़ायदा हो, अपने जो है ना वो बिल्कुल स्पेसिफिक पर्सनल जो है ना मसाइल ना पूछे। अगर आप जनरल रखोगे तो फिर जो है ना इससे दूसरों को भी फायदा होगा। अच्छा जी, पूछते हैं हम बारी बारी में, सबसे जो है ना वो पूछ लेते हैं कि हम क्वेश्चन एड्रेस करते हैं। सबसे पहले जो है ना जैनब मजहर हुसैन जी, आप अनम्यूट करें और फिर अपना क्वेश्चन जो है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये था कि आपने बात की कि जनरली हम जो है वो टॉपिक्स को सर्च करें, ठीक है, और उस पर अपनी प्रिपरेशन करें और फिर बाद में सारे सिलेबस को हम गो थ्रू करें, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जनरली जब हम टॉपिक को सर्च करते हैं तो उसके लिए हम कंटेंट कहाँ से लेंगे? जस्ट वी हैव टू गो टू गूगल एंड सर्च जनरली टॉपिक्स? और सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि इसमें ड्यूरेशन कितना लगेगा मैक्सिमम, एज अ बिगिनर अगर मैं स्टार्ट करती हूं तो उसमें कितना मैक्सिमम टाइम लग जाएगा? जी थैंक यू जैनब, आपके देख ले दो क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि मतलब ये कंटेंट जो है ना ये कहां से ले रहे हैं, सोर्सेस हम कहां से उठाए, और सेकंडली जो है ना इतना टाइम लगेगा। तो आपके सेकेंड क्वेश्चन का मैं पहले आंसर करता हूँ, ये डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा कि आपकी बैकग्राउंड के ऊपर, आपकी जो है ना फिर आप कितना टाइम रोजाना देते हैं इसके हिसाब से। देख ले मेरा कोई तकरीबन बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रेच जब मैंने शुरू किया, मेरी डिग्री जो केमिस्ट्री से थी बिल्कुल बेसिस का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तकरीबन मेरे कोई 7-8 महीने लगे, लेकिन मैं रोजाना कोई 10-12 घंटे में पढ़ता था। मैं चित्राल जो है ना से शिफ्ट होकर लाहौर आया था और यहाँ पर मैं अपने एक स्टूडियो रूम मैंने सेट किया था और यहाँ से शुरू से मैंने पढ़ा, और जो है ना 5 वक्त की नमाज, खाने और तकरीबन कोई 6-7 घंटे सोने के अलावा मेरा और कोई और कोई काम नहीं होता था, मैं इसलिए पढ़ता रहता था, सारी रात में पढ़ता था, फिर जो ना सुबह से फिर दोपहर तक मैं सोता था और दोपहर को उठ के फिर मैं पढ़ता था असर तक, असर से तकरीबन कोई ईशा के तक यानी डिनर तक जो है ना वो फिर मैं आउटिंग करता था, फैमिली को मैं टाइम देता था, ईशा के बाद फिर सुबह तक मैं पढ़ता था। इस तरह करके कोई तकरीबन 6-7 महीने मेरे लगे तकरीबन सीएसएस को अच्छी तरह से कवर करने में, और वो प्रिपरेशन थी जो बाद में इंटरव्यू में मेरा काम आया, और इंटरव्यू में मेरे केपी में टॉप मार्क्स हैं और पाकिस्तान में भी मैं टॉप 10 में हूँ। तो इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो तकरीबन उसी में से मैंने आंसर किया जो शुरू में बेसिक में मैंने पढ़े थे। तो कहने का मतलब ये कि ये डिपेंड करता है कि आप इसको 4 महीने में भी कवर कर सकते हैं, 5 में भी कर सकते हैं, 6 में भी, इसके 2 साल भी आपके लग सकते हैं। अगर आप फ्रॉम दिस स्क्रेच शुरू करते हो और डेडिकेशन के साथ काम करते हो तो जो है ना मैक्सिमम कुछ 6-7 महीने आपके लगेंगे। अभी भी इस बार अगर जो अटेम्प्ट देना चाहते हैं, अगर वो बिगिनिंग से शुरू करना चाहते हैं, अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप कहाँ से उठा के पढ़े, तो इसके लिए मैं आप लोगों के बताता हूँ कि मेन जो आपका सपोर्ट यहाँ पे होगा वो गूगल और यूट्यूब। इसके अलावा आप रिकमेंडेड बुक उठा के पढ़े, हर एक सब्जेक्ट के लिए 1-2 रिकमेंडेड बुक रखे। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास यहाँ पे है अब्दुल सत्तार की ये किताब है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ये तकरीबन 1947 से लेकर 2000 तकरीबन 16 तक है। अब ये किताब सीएसएस के लिए लिखी नहीं गई है, ये जनरल किताब है। अब यहाँ पे हर एक टॉपिक जो है ना वो सीएसएस से रिलेटेड भी नहीं है और सीएसएस का जो सिलेबस है वो पूरा यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए
यहाँ पे सिर्फ आप वो टॉपिक्स उठा के पढ़ोगे जो आपको चाहिए है, जो आपके सिलेबस में मौजूद है, इसलिए इस किताब को पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस किताब को भी अपने पास रखें, पाकिस्तान हार्ड कंट्री भी आपके पास हो या कोई दूसरा बुक जो आपको रिकमेंड करे, किताब सारे जो है ना जो जितने भी हैं वो पाकिस्तान अफेयर के सिलेबस में मौजूद है, इनमें से एक दो किताब अपने पास रखें, लेकिन पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए कोई भी एक किताब काफ़ी नहीं है। उसके लिए आप जो है ना यूट्यूब में सर्च करें, वीडियोस देखें और गूगल से आप पढ़ें। मेरा जो स्ट्रेटजी था वो ये था, स्पेशली करंट अफेयर के हवाले से, करंट अफेयर में जो टॉपिक्स हैं वो बड़े डाइवर्स, मिसाल तौर पर यमन का इशू है, पलस्टाइन का इशू है, और इसी तरह से जो है ना वहाँ पर OIC है, इसी तरह से वहाँ पे UNO है, और वहाँ पे मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स हैं जो कि बड़े डाइवर्स हैं, जो किसी भी किताब में आपको सारे नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए मेरी स्ट्रेटजी जो बहुत ही हेल्थी स्ट्रेटजी है वो ये है कि मैं गूगल में जाके लिखता था, फॉर एग्जांपल क्राइसिस इन यमन, फिर मैं क्राइसिस इन यमन लिख के उसके सामने मैं लिखता था द गार्डियन एक न्यूज़पेपर है, फॉरन इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैं लिखता था तो मेरे सामने आता था कि द गार्डियन न्यूज़पेपर में जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं यमन क्राइसिस के हवाले, वो सारे मेरे सामने आते थे। तो मैं सबको बारी बारी ओपन करता था और मैं देखता था कि कौन सा यूज़फुल है। शुरू के दो तीन लाइन पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा था कि ये ठीक है, इसको मैं समझ सकता हूँ, इसका इसकी जो इंग्लिश है वो ठीक है, और तो फिर वो मैं पढ़ता था और वहाँ से मैं नोट्स बनाता था इस तरह करके। फिर यमन क्राइसिस के सामने मैं लिखता था अल जजीरा, फिर वहाँ के जो आर्टिकल आते थे, तो इस तरह करके मतलब दो तीन घंटे के अंदर मैं यमन क्राइसिस को कवर करता था। सिलेबस में मैं उसके ऊपर हाइलाइटर से हाइलाइट करता था और फिर मैं लग जाता था दूसरे पलस्टाइन के इशू के ऊपर, फिर इसी तरह से एनवायरमेंटल चैलेंजेस, फिर जो है ना फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, फिर इसी तरह से इन चीज़ों को बारी बारी इस तरह से मैं पढ़ता था, स्पेशली करंट अफेयर। बाकी जनरल साइंस की एक ही किताब है, वर्ल्ड टाइम्स वालों की किताब सबसे बेस्ट है, एक किताब पढ़े वो काफ़ी है। इस्लामियात के लिए भी तकरीबन एक दो रिकमेंडेड बुक पढ़े, बाकी जो है ना वो जो लोकल मार्केट में मिलती है इल्मी वालों की या वर्ल्ड टाइम्स वो काफ़ी है। इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर में जो हिस्ट्री है वो तो जहाँ से भी उठा के पढ़ो, मिसाल तौर पर मोहम्मद बिन कासिम से लेकर फिर सल्तनत डायनेस्टी, फिर मोगल्स, फिर अंग्रेज़ों का जो दौर है, वो जहाँ से भी उठा के पढ़ो तो वो जो है ना सेम है, गूगल में भी आपको मिलेगा, जहाँ से भी उठा के वो स्टैटिक है। लेकिन अभी करंट जो आ रहे हैं, मुतालिक अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान चाइना के साथ रिलेशन आ रहे हैं, और या पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, कश्मीर इशू है और गिलगित के इलेक्शन से, तो ये इस तरह की चीज़ें जो कि डायनामिक है, जो कि चेंज हो रहे हैं, जो कि एक किताब में आपको नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत ही लेटेस्ट हैं, इनको जो है ना फिर आप जो है ना गूगल पर लिखें और जितने भी फॉरेन न्यूज़पेपर से वहाँ से आर्टिकल उठाए और फिर उन आर्टिकल से पढ़े। इन आर्टिकल का फ़ायदा ये होगा कि जितने भी इंटरनेशनल रिनाउंड न्यूज़पेपर हैं, अल जजीरा, CNN, BBC, द गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, और ये मेरे तकरीबन 4-5 न्यूज़पेपर थे, इनको मैं रेगुलर में पढ़ता था, यहाँ से आर्टिकल उठा के मैं तैयारी करता था। और यहाँ पे जो आर्टिकल्स आ रहे हैं वो सारे प्रॉपर स्क्रूटनी के बाद आते हैं, वहाँ पे बाकायदा एक टीम होती है जो इन आर्टिकल्स को देखते हैं और यहाँ से जितने भी अनऑथेंटिक चीज़ें होती है, अनऑथेंटिक डाटा होते हैं, वो सारा रिमूव करते हैं, प्रॉपर ऑथेंटिक चीज़ों को वो पब्लिश करते हैं। इसलिए इंटरनेशनल रेनाउंड न्यूज़पेपर देखें और साथ साथ पाकिस्तान न्यूज़पेपर में सिर्फ डान पढ़े। अगर इनको जो है ना आप कंबाइन इनसे जो है ना मटीरियल अगर ले लें तो फिर जो है ना आप CSS के रिटर्न में जो है ना आप डिफरेंस के साथ जो है ना आप क्वालिफाई कर सकोगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जो है ना, ये एक है कोई Huawei GR5 2017 इस आईडी से। जी आप जी ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। जी ब्रदर, मैं आपका थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और जो आपने बातें बताई वो माशाल्लाह से, अल्लाह आपको इसका अजर दे, बहुत ही प्रैक्टिकल है। इवन के मैं अभी एक्चुअली मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं अभी थर्ड सेमेस्टर में हूँ ना, मुझे एक साल लग गया कि ये सारी बातें समझते हुए, ये मतलब काफ़ी प्रैक्टिकल और यूज़फुल है। बट मेरा क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, एक क्वेश्चन बहन ने पूछा तो उसी में मुझे आंसर मिल गया। बट मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल हम, आपने जैसे कहा कि अगर जिसको राइटिंग लर्निंग इम्प्रूव करनी है, मतलब राइटिंग बेसिक से, वो एक एडिटोरियल पढ़े, उसको समझे और अपनी वर्ड्स में लिखे, ठीक है, वो हम लिख लेंगे, दो तीन महीने बाद हमें ग्रिप भी हो जाएगी कि अपनी वर्ड में चीज को कैसे लिखना है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये हम ठीक लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, मतलब हमारे पैरा में, ग्राफ में, ऐसे पैराग्राफ में कंटिन्यूटी है या नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा हमें? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके अल्फाज के लिए, मतलब बहुत शुक्रिया कि आपको पसंद आया जो आज की डिस्कशन है। अच्छा जी, जहाँ तक आपके सवाल का जो ताल्लुक है, देख ले मैंने आपको बताया इसके लिए आप जो है ना आप कोई वो खुद से आप अरेंज करें, कोई मेंटोर या आप जो है ना, आप मिनट में यहाँ पे अलाउ करता हूँ जो वेटिंग रूम में, फिर मैं क्वेश्चन आंसर। अच्छा जी,
आप देख लीजिए इसके लिए कोई आप, मैंने आपको बताया कि वो आप खुद बेहतर समझ सकते हैं, आपको एक टीचर पकड़े या मुझसे, इस तरह के बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझसे एवेलुएशन कर रहे हैं, वो मुझे भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे स्कैन करके, मैं जो है ना उनको पढ़ने के बाद फिर आरडीओ में फिर अपना एक रिस्पॉन्स दे देता हूँ कि ये चीज़ें ये रिमूव कर ले, ये अननेसेसरी है या यहाँ पे आप डिट्रैक हो गए। तो इस तरह के आपके भी दोस्त होंगे जो सीएसएस में क्वालिफाई वो कर चुके हैं या अभी भी वो सीएसएस के लास्ट स्टेज में है, आपको पता है कि इनकी राइटिंग अच्छी है, या कोई इंग्लिश के जो एक कोई टीचर आप पकड़े, या फिर अकेडमी में किसी जो है ना अगर आपको अवेलेबल है, या ऑनलाइन आजकल वो बड़े ट्यूटर हैं आपको मिलेंगे, तो इनमें से किसी एक के साथ आप रابطہ करें एवेलुएशन के लिए, और प्रॉपर इसके साथ आपका एक ताल्लुक हो, व्हाट्सएप का मैसेंजर का आपका आपके साथ इसको ताल्लुक हो। जब जब तक आप इस सफर में आपका कोई मेंटोर ना हो, आपकी कोई जो है ना प्रॉपर अगर गाइड ना हो, तो फिर ये सफर जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे अपने जो थे इस तरह के मेंटोर थे, दोस्तों में भी थे और टीचर्स में भी थे, इनको वक्तन फवक्तन हम इनको दिखाते थे, एक तो ये। इसके अलावा जो है ना अगर आप रोजाना लिखते जाओगे ना, एक दो महीने बाद खुद आपको अंदाजा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्किल है, स्किल बंदा खुद जो है ना वो लर्न करता है, आपको खुद अंदाजा होगा दो तीन महीने के बाद कि ये गलत है और ये सही है। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब आप लिखना शुरू करोगे एक दो महीने बाद आप अपना पहला राइटअप उठा के देखे और लास्ट वाला उठा के देखे, आपको लगेगा कि मैं कितना इम्प्रूव किया है, कि मुझ में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है और कहाँ कहाँ पे मेरी जो है ना मिस्टेक्स थी जो अभी मैंने जो है ना वो कवर किया है, वो आपको खुद अंदाजा होगा। इसलिए आप यहाँ पे प्रॉपर जो है ना खुद वो बंदा कोई रखे जो आपकी इवेलुएशन करे और आपको बताए कि ये मिस्टेक्स है, और इसके अलावा आप जो है ना खुद जो है ना सिर्फ लिखते जाओ और जो है ना खुद ब खुद आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। और आखिर जो लास्ट स्टेज जो होगा जो सीएसएस प्रिपरेशन में जो आप शुरू करोगे वहाँ पे पेपर अटेम्प्टिंग में, उनको प्रॉपर जो है ना किसी अकेडमी में जाकर किसी को दिखाओ या किसी मेंटोर को दिखाओ या ऑनलाइन कोई इस तरह से ट्यूटर पकड़ो जिसको 2-3 हज़ार फीस इस तरह से इसको पे करो और फिर जो है ना इसे अपनी एवेल्यूएशन करवाओ। तो उसके लिए जो है ना आप खुद सोर्स ढूंढ सकते हो, लेकिन अगर ना भी ढूंढो तो फिर जो है ना खुद बहुत आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, लेकिन आपने प्रॉमिस ये करनी है कि आप जो है ना ये प्रैक्टिस आप रोजाना करोगे, मिस नहीं करना। अगर आप मिस नहीं करोगे तो दो महीने के अंदर जो है ना आप खुद जो है ना आपको अंदाजा होगा कि कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। कोई खास स्पेसिफिक तरीका है या नॉर्मली जिस तरह बंदा ऐसे या पैरा लिखता है उसी तरह आइडियाज बोल्ड करे और बस लिखना स्टार्ट कर दे? अच्छा जी, इसके मुतालिक मैं आपसे सिर्फ इतना आस करता हूँ कि सीएसएस जो अटेम्प्ट करने की जो टेक्निक है इसका कोई खास तरीका नहीं है। अलबत्त एक चीज़ है, वहाँ पर मैक्सिमम जो कैंडिडेट अभी जो मुझे स्टूडेंट जो भेज रहे हैं कुछ लिख के या कोई सवाल का आंसर वो लिख के या कोई इस तरह से ऐसे लिख के मुझे भेज रहे हैं, तो इनमें से 85-90% जो स्टूडेंट में जो मसला है वो एक ही है, और वो ये है कि जो क्वेश्चन में जो कुछ आपसे पूछा गया है उससे डिट्रैक हो रहे हैं, बस ये एक मसला है। इस मसले को अगर आप जो है ना कवर कर सकोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, मिसाल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो मिसाल एक फॉर एग्जांपल ऐसे है, एक ऐसे है, ऐसे में पूछा गया है कि राइट ए ब्रीफ ऐसे ऑन द ह्यूमन राइट्स वायलेशन ड्यूरिंग वॉर ऑन टेरर, वॉर ऑन टेरर के दौरान ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हुए हैं इनके ऊपर ऐसे लिखिए। अब देख लीजिए इस ऐसे में आपसे वॉर ऑन टेरर के बारे में नहीं पूछा गया, जब पहली मरतबा आप सुनते हैं आपको लगता है कि वॉर ऑन टेरर के बारे में पूछा गया है, हालांकि इस ऐसे में आपसे पूछा गया है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में, और वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो कि वॉर ऑन टेरर के दौरान हुई है। तो 2017 में या 16 में इस तरह का एक ऐसे हुआ था, तो इसमें मैक्सिमम लोग फेल हुए थे। इसकी वजह ये थी कि सारे लोगों ने तकरीबन 40-50% उन्होंने वॉर ऑन टेरर के ऊपर लिखा था। पहले वॉर ऑन टेरर क्या है, इसमें क्या है, इसमें पाकिस्तान ने किस तरह से हिस्सा लिया और अमेरिकन इन्फ्लुएंस में किस तरह से थी, ये आखिर में उन्होंने लिखा था, फिर इसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन किस तरह से हुई। तो इस ऐसे में आपसे पूछा गया है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में, तो फिर आप शुरू करें ह्यूमन राइट वायलेशन से और ह्यूमन राइट वायलेशन वॉर ऑन टेरर में किस तरह से हुए, जनेवा कन्वेंशन वहां पे कोट करें और दूसरे जितने भी इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हैं, एकॉर्ड्स हैं, जितने भी ट्रीटीज हैं वो कोट करके फिर आप बताएं कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन इस तरह से हुए वॉर ऑन टेरर में। अब देख ले यहाँ पे लोग इस तरह से डिट्रैक हो रहे हैं और क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सैयद अहमद खान, इसकी वजह से इंडो पाक में जो है ना पॉलिटिकल अवेयरनेस किस तरह से आई। अब इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दोबारा रिपीट करता हूं, आपसे पूछा गया है कि अलीगढ़ तहरीक की वजह से
इंडो पाक में यानी इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल अवेयरनेस किस तरह से आई है, ये क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन में आपसे अलीगढ़ तहरीक के बारे में नहीं पूछा गया, बल्कि आपसे पूछा गया है कि सब कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल अवेयरनेस किस तरह से आई है और वो पॉलिटिकल अवेयरनेस अलीगढ़ की वजह से किस तरह से आई है। तो फिर यहाँ पे आप स्पेसिफिक होंगे, शुरू करेंगे पॉलिटिकल अवेयरनेस में और इस पॉलिटिकल अवेयरनेस में फिर अलीगढ़ ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, इसके ऊपर आप फोकस करेंगे। तो सबसे मेन मसला जो है पेपर अटेम्प्टिंग में यह है कि स्टूडेंट जो है ना वो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते और वहाँ पे जो कोर पॉइंट, जो कोर वर्ड्स हैं जिनके बारे में पूछा गया है, इनको एड्रेस नहीं करते और डिट्रैक हो जाते हैं और नतीजे के तौर पे वो ऐसे में भी फेल हो जाते हैं और दूसरे पेपर हैं वहाँ पे फेल हो जाते हैं या इसमें कम मार्क्स आते हैं। तो इसलिए आप जो है ना फोकस करें, सवाल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और वहाँ पे जितने भी कोर पॉइंट्स हैं उन सारों को एड्रेस करने की कोशिश करें। लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिस्कस द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ह्यूमन बॉडी। अब इस क्वेश्चन के तीन पार्ट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन और कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स और लास्ट में इसके फंक्शन ह्यूमन बॉडी। अब 20 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो फिर इनको जो है ना आप 33 पार्ट्स में आप जो है ना इनको क्या, या डेफिनेशन को जो है ना इसको 5 नंबर की वेटेज दे दें, बाकी को जो है ना 50-50 डिस्ट्रीब्यूट करें और फिर इस तरह से इसकी जो है ना आंसर लिखे। जो बंदा कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन लिखता है टाइप्स छोड़ के जो है ना वो फंक्शन पे चला जाता है, या जो है ना कार्बोहाइड्रेट की सिर्फ डेफिनेशन और टाइप्स पे पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और फंक्शन को डिस्कस नहीं करता, तो फिर जो है इसको टोटल वो मार्क्स में से नंबर नहीं मिलेंगे बल्कि इसके नंबर कटेंगे। तो इसलिए इस तरह से जो है ना आप सवाल को कम्प्रिहेंड करें और फिर वहाँ पे जो कोर पॉइंट्स हैं उनको उठाएं और सारों को एड्रेस करने की कोशिश करें और क्वेश्चन से डिट्रैक ना हो और क्वेश्चन के साथ जुड़े रहे, और फिर उसके बाद अगर आप अटेम्प्ट करोगे फिर इसमें जो है ना आप ऐसे में भी पास हो जाओगे और फिर जो है ना दूसरे सब्जेक्ट इसमें भी पास हो जाओगे। तो बस पेपर अटेम्प्टिंग का एक ही टेक्निक है जो आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें और डीप ट्रैक ना, बाकी इसके बाद आपकी जो प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी हो, मतलब आपकी हैंड राइटिंग ठीक हो और ग्रामर वगैरह ठीक हो, तो फिर आपके इतने अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा नेक्स्ट हम क्वेश्चन ओके मींस मींस के जो आपके अपने आइडियाज हैं उसको जो है एक प्रॉपर तरीके से विद रेलिवेंसी टू द पॉइंट लिखना स्टार्ट करें, इधर उधर मत हो, क्वेश्चन को समझें और जिस तरह आप मतलब अगर आपकी राइटिंग जिस तरह बेस्ट है, मतलब जो आपके आइडियाज हैं उसको एक पोर्शन से लिखना स्टार्ट कर दें और ऐसे लिखें कि वो जो क्वेश्चन डिमांड हो रहा है वो क्वेश्चन का आंसर जो है उस एग्जामिनर को मिल जाए। बस बिल्कुल वो मतलब पहले आप समझे कि क्वेश्चन में आप मुझसे क्या पूछ रहा है, आप उसके साथ जुड़े रहे और फिर उसके ऊपर इंट्रोडक्शन भी वही हो और आपका कंक्लूजन भी वही हो, स्टफ भी वही हो, तो फिर आप जो है ना इसमें आप जो ना पास हो जाएंगे। अगर इस तरह ओके थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं सजीला इब्राहिम जी। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। हेलो थैंक यू आपकी जी थैंक यू आपकी कॉन्फ्रेंस वगैरह मैंने अटेंड की और मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आप शायद जानते भी हैं सी एस पी शगुप्ता की सिस्टर बात कर रही हूँ मैं। अच्छा जी, टीचर रही है और वो सर्विस में वो सर्व कर रही है और थर्ड ईयर का जो फिजिकल केमिस्ट्री उसी से मैंने पढ़ा है। जी मैं काफ़ी उनसे तो काफ़ी इंस्पायर हूँ, अभी आपसे भी इंस्पायर हो गई हूँ और शायद प्रेशर भी काफ़ी पड़ गए फैमिली की तरफ से भी। तो ये एक आध दो क्वेश्चन है वो मैं आपसे करना चाह रही हूँ। ओवरऑल तो आपने मतलब आप ही भी गाइड करती रहती हैं, आपने भी काफ़ी अच्छा गाइड किया है। यहाँ पे इशू हमारे पास आता है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का आ जाता है क्योंकि आपको पता है कि पर ईयर जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं क्योंकि कभी कभी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट पे भी टारगेट करते हैं ना, तो वो चीज़ आपने हाईलाइट नहीं की, तो काइंडली आप उसको हाईलाइट कर लें। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि आजकल जो एकेडमीज हैं वो आजकल बिजनेस मार्केट बन गई हैं क्योंकि आपने देखा भी होगा कि हर जगह जो है वो हमारे पास मार्केट्स मतलब बिजनेस एकेडमीज ओपन हुई हुई हैं, हर एक जो है वो उसको एज अ मार्केट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे पहले हमारे पास नोवा होती थी, वर्ल्ड टाइम्स था तो ज़्यादा लोग उसको प्रेफर करते थे, आजकल ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन और फेसबुक और इस तरह सारा, तो उस पर फिर जाके जो हम जैसे एस्पिरेंट्स होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम किस मेंटोर के पास जाएं, कौन सी एकेडमी चूज़ करें, या फिर मतलब जाहिर है आपको एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। जैसे अभी मैंने आपकी कॉन्फ्रेंस अटेंड की तो जो मेरे माइंड में जो क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चंस को आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छे से आंसर किया है। तो ये जो दो क्वेश्चन है काइंडली आप उसको थोड़ा सा हाईलाइट करें क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और वो आपको भी ऑलरेडी पता है कि कभी बस दो क्वेश्चन से एक एकेडमी के हवाले से आप पूछ रहे हैं और
सेकेंडली आपने पूछा कि मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में, तो उससे जो इसके हवाले से मैं पहले अर्ज कर देता हूँ, एकेडमिक्स का ये है कि आप एकेडमिक्स, मेरा जो एक्सपीरियंस है, एकेडमिक्स लोगों को गाइड भी कर देते हैं और साथ साथ कभी कभार वो मिस गाइड भी कर देते हैं, तो एकेडमिक्स जो है मेरे ख्याल में सिर्फ गाइडेंस के हवाले से जो हेल्पफुल है, जो मैंने कहा कि बेसिक कंसेप्ट जो है उनको कवर करने के लिए जो आपकी एफर्ट होनी चाहिए कोई 20% इमरान भाई, ये कह रही हूँ आप मेंशन कर देना स्पेसिफिक नेम्स मेंशन करते हैं जो आपको लगता है कि भाई इस एकेडमी में आप जाके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देख ले यही मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि देख ले बेसिक्स के हवाले से एकेडमी जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा खुद ये है, और फिर सिलेबस की जो मैं आता हूँ अपनी पहले मैं कुछ वो आंसर पूरी तरफ सुन लें फिर उसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन है फिर आप दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा जी, पहले ये कि बेसिक्स के हवाले से मेरा खुद ये मानना है कि बेसिक्स के हवाले से आप जो है ना अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको तो पहले से अंडरस्टैंडिंग आपकी है, कोई फैमिली में आपका पहले से CSS पास किया है, या कोई रिश्तेदारों में इस तरह है, या कोई दोस्तों में है, अगर पहले अंडरस्टैंडिंग आपकी है और बेसिक्स आपके अगर कवर हैं, तो मेरे ख्याल में एकेडमी ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप सिलेबस कवर नहीं करते तो तब तक आपको एकेडमी ज्वाइन करने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक्स से मसला है, मोटिवेशन नहीं है, और या आपको CSS के बारे में पूरी एक जानकारी आपको नहीं है, फिर आप जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसके लिए फिर कोई भी एकेडमी जो है ना वो बेहतर है, क्योंकि मैं किसी खास एकेडमी को मैं नाम नहीं ले सकता, और कोई भी एकेडमी आप जा सकते हैं जो आपको लगे कि, या दोस्तों से पूछे तो फिर आपको अगर लगे तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक दफ़ा ये सेल्फ स्टडी आप करते हैं रिकमेंडेड बुक से, मुख्तलिफ आर्टिकल से, या इसी तरह से इंटरनेशनल मैगजीन से, और इसी तरह से इंटरनेशनल जितने भी रिनाउंड न्यूज़पेपर हैं उनके आर्टिकल से आप पढ़ के जो आपका जो 50% वाला सिलेबस स्टफ अगर आपका कवर होता है, उसके बाद आप किसी भी अकाडमी में जाए और वहाँ पर फिर पेपर अटेम्प्टिंग, वहाँ पर टेस्ट दे दे, वहाँ पर पेपर दे दे, एवलुएशन करवाए, या खुद लिख के ले जाए और वहाँ करवाए, फिर जो है ना कोई भी अकेडमी जो है ना आपको के लिए फ़ायदेमंद मेरे ख्याल में रहेगी, इस हिसाब से कि वहाँ पे आपकी एक प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और फिर वहाँ पे आपकी प्रॉपर एवलुएशन होगी, इस हिसाब से मेरे ख्याल में जो है ना आप अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन पूरी का अगर आप तैयारी शुरू से आखिर तक करें तो फिर मेरे ख्याल में मैं उसको रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि पहली बात यह है कि यहाँ पे जो है ना आप स्पून फीडिंग का जो है ना आदि हो जाओगे, मतलब हर एक चीज़ तैयारी जो है ना अगर आपको मिले रेडीमेड अगर आपको मिले तो फिर जो है ना आप एफर्ट नहीं करोगे, और फिर आप में कुछ इस तरह के एरियाज रहेंगे जो आपने खुद किताब नहीं पढ़ी है, आपने खुद आर्टिकल आपने सर्च नहीं किया, तो फिर इसमें इस तरह के एरियाज हैं जो आपको जो है ना वो कवर नहीं होंगे, और फिर बाद में इंटरव्यू में फिर आपके लिए मसला होगा। मैं खुद आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कर देता हूँ कि शेयर जो है ना अब देख ले, ये जो मैंने प्रेपरेशन की बेसिक से लेकर वर्ल्ड ज्योग्राफी और इसी तरह से जनरल नॉलेज और इसी तरह से IR हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड बेसिक में मैंने प्रेपरेशन की, इसका फ़ायदा मुझे इंटरव्यू में जाके हुआ। इंटरव्यू में मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे जो थे इन्हीं से पूछे गए थे, और इंटरव्यू में मैंने तकरीबन 75-80% क्वेश्चन को मैंने आंसर किया, और सारे GK बेस्ड थे। ताइवान का पूछा, हांगकांग का पूछा, मुझसे US हिस्ट्री के बारे में पूछा, उन्होंने इंडो पाक हिस्ट्री से रिलेटेड मुझसे पूछा, तो ये सारी चीज़ें मैंने शुरू में पढ़े थे, इंटरव्यू के प्रिपरेशन में मैंने कोई भी ये नहीं पढ़ा था, तो इस वजह से जो है ना तकरीबन मेरे जो KP में मेरे टॉप स्कोर आए और पाकिस्तान में भी मैं top 10 में हूँ। और फिर जो है ना मेरा ख्याल ये है कि आप जो बेसिक्स के लिए या पेपर अटेम्प्टिंग के लिए जो है ना आप एकेडमी जाएंगे, और फिर सिलेबस जो है ना उसको प्रिपेयर करने के लिए मेरा यही आप लोगों के लिए सजेशन है, वो खुद से पढ़े लाइब्रेरी में बैठ के, या जो है ना स्टडी रूम बनाए घर में, वहाँ पे जो है ना आप आइसोलेशन में बैठ के एक सुई के साथ जो है ना आप पढ़े, और सिलेबस स्टफ जो है ना उसको इसके ऊपर खुद एफर्ट करें, उसको खुद पढ़ने की कोशिश करें। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि आप ऑप्शनल जो है ना सब्जेक्ट उनको किस तरह से सेलेक्ट करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में मेरी जो राय है वो ये है कि सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छे हैं। हर वक्त जो है ना लोग मुझे डिस्कस कर रहे थे, दोस्त भी टीचर भी, आप केमिस्ट्री ना रखे लेकिन मैंने PMS में भी रखा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और CSS में भी मैंने रखा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मेरी लोकेशन हो गई पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। तो अब देख ले केमिस्ट्री रखने से या फिजिक्स रखने से कुछ नहीं होता, यानी आप खुद देखें कि आप उसको तैयार कर सकते हो या अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हो, उसके आपके बैकग्राउंड है कि नहीं, इसके ऊपर आप अपने खुद अपने स्टूडेंट्स को देखें।
अगर आप कर सकते हो इसके अगर आप बैकग्राउंड है तो फिर जो है ना आप चीजें पूछने की जरूरत नहीं है, खुद रखें। अलबत्त एक चीज याद रखें, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से एक दो इस तरह के सब्जेक्ट रखें कि वो जो है ना आप जन और एक दो इस तरह के सब्जेक्ट रखें कि जो है ना जो जो कि आपको जनरलिस्ट अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुल हो। मिसाल के तौर पर यूएस हिस्ट्री है या मिसाल के तौर पर आई आर है। आई आर सब्जेक्ट मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मैंने एक आई आर मैंने रखा हुआ था और एक यूएस हिस्ट्री। तो यूएस हिस्ट्री आई आर रिटर्न में मेरे इतने अच्छे नहीं आए आई आर यूएस हिस्ट्री में, क्योंकि इस बार यूएस हिस्ट्री में बड़े कम मार्क्स आए। लेकिन इसका फायदा मुझे फिर इंटरव्यू में जाके हुआ। इंटरव्यू में मुझसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो तकरीबन मेनली रिवॉल्व कर रहे थे यूएस हिस्ट्री के गेट, तो वो सारे मैं आंसर मैंने किया। और इसके अलावा जो मेरे बेसिक्स थे वो सारे जो है ना मैंने अच्छी तरह से आंसर किया, तो मुझे अच्छे मार्क्स मिले। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने शौक, अपने बैकग्राउंड, अपनी डिग्री या जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हो, पहले से आपके पास एक स्टेप मौजूद है, एक अंडरस्टैंडिंग है, तो वो रखें। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक दो इस तरह के सब्जेक्ट रखें जो कि जनरल अंडरस्टैंडिंग, करंट अफेयर या जनरल जो इशूज हैं उनके हवाले से आपको लिए वो हेल्पफुल हो। जिस तरह से यूएस हिस्ट्री है या जिस तरह से आई आर है, पोलिटिकल साइंस है, जनरल स्टडीज है, सोशोलॉजी है, इस तरह के एक दो सब्जेक्ट्स रखें जो कि जनरल स्टफ में आपके लिए हेल्पफुल और ऐसे में भी आपके लिए हेल्पफुल हो। बाकी सब्जेक्ट जो है आप खुद देखें, सिलेबस देखें, सिलेबस के साथ पास पेपर्स देखें, जहाँ से आपको अंदाजा हो कि पहले से आपको जो है ना दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन इस तरह हैं जिनके बारे में पहले से आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर आप इसको आप इस सब्जेक्ट को जो है ना आप ओप कर सकते हो। उसके बाद इसकी अच्छी तरह से प्रेपरेशन करें तो फिर इंशाल्लाह ताला जो इसमें आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, आप नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं महबूब इलाही। चलो मैं महबूब इलाही को मैं अनम्यूट करता हूँ। अच्छा महबूब इलाही अपने आपको अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछेगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे काफ़ी क्वेश्चन का आंसर मिल गया। बाकी मेरा एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए कोई बुक रिकमेंड कर लें। अच्छा देख ले, इंग्लिश ग्रामर के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रिकमेंडेड बुक है वो रेनन मार्टिन है। इसके अलावा जो है ना वीडियोस अगर आप देखें तो वहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे इस तरह के लेक्चर्स हैं, नेट पे आपको मिलेंगे, इंडियन भी हैं और फॉरेन भी हैं। तो वो वहाँ पे जो ग्रामर के जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड, टेंसेस रिलेटेड, या जो है ना वॉइस नरेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर वगैरह, इन से रिलेटेड मेरे ख्याल में जो है ना आप बेसिक्स को वीडियो से आप देखें। इसके अलावा जो मैंने आपको एक वो बताया मुजर्रब अमल जो मैं उसको कहता होता हूँ कि आप जो है ना एडिटोरियल आप पढ़ें और इसको दोबारा रिक्रिएट करें, तो इसमें जो है ना आपकी इंग्लिश की जो कमज़ोरी है वो कमज़ोरियाँ जितनी भी हैं वो सारी जो है ना वो दूर हो जाएंगी और इंग्लिश का जो आपका एक जो है ना राइटिंग एक स्ट्रक्चर है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। आप जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कहाँ पे आपने कॉलन लगाना है, कहाँ पे कॉमा आपने लगाना है और किस तरह से आपने सेंटेंस ठीक करना है, तो ये सारे जो है ना एज ए स्किल जो है ना आप खुद ब खुद सीख जाओगे। बस उस अमल को आप जारी रखें। बाकी इसके अलावा जो ग्रामर के आज आप अगर आप फिर भी अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए वीडियोस पढ़े और रेनन मार्टिन बुक जो है वो मेरे ख्याल में बेस्ट है। वो जो है ना बहुत ही शॉर्ट भी है, वो ब्रीफ भी है और कम्प्रिहेंसिव भी है, उसमें सारे एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, तो वो पढ़े वो जो है ना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वो रेनन मार्टिन पढ़े, वीडियोस देखें, उसके अलावा जो है ना वो राइटिंग करके जारी रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं लेता हूँ और क्वेश्चन लास्ट जो हमारा है वो मोहम्मद यासीन। जी मोहम्मद यासीन, मैं आपको जो है ना अनम्यूट कर देता हूँ, आप अनम्यूट करें अपने आप को और फिर अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ऐसे से रिलेटेड है कि ऐसे के अंदर क्या आपने हाइलाइट्स करने के लिए कोई पॉइंटर या फिर इस तरह की कोई चीज यूज की थी, क्योंकि बेसिकली इस पे हमें दो तरह की राय आ रही है, सुनने में आ रही है कि आप करें आप ना करें,
इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, आपने अपने जब पर्सनली तौर पे पेपर लिख रहे थे उस टाइम आपने क्या इस तरह का कुछ यूज किया था या आपने बस सिंपली लिख दिया था? जी बिल्कुल मैं समझ गया। अच्छा इस हवाले से मैं अर्ज कर देता हूँ ऐसे के हवाले से स्पेशली कि ऐसे के अंदर आप मुख्तलिफ पॉइंट से या किसी को कोट कर रहे हैं या कोई आप एक डेटा वहाँ पे पुट कर रहे हैं तो इसको किस तरह से हाईलाइट करें। तो इसके लिए यही है कि अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आपको अलाउ है सिर्फ ब्लैक और ब्लू जो है ना आप जो है ना पेन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो फिर उस पॉइंट को आप ब्लैक से लिखिए, अगर आप पूरा ऐसे ब्लैक से लिख रहे हैं तो बीच में उस पॉइंट को आप ब्लू से लिखिए। इसके अलावा कोई हाईलाइटर यूज़ करें या कोई इस तरह की चीज़ें बिल्कुल वो अलाउ नहीं है और मैं भी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप हाईलाइटर यूज़ करें या इस तरह की चीज़ें यूज़ करें। बिल्कुल ऐसे का पेपर जो है ना इसमें आप लोग ना हेडिंग दे सकते हैं और इसमें ना आप ग्राफ बना सकते हैं ना आप वहाँ पर आप जो है ना टेबल बना सकते हैं। ऐसे जो है ना आप सिर्फ जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक एक कंटिन्यूटी के साथ विदाउट ब्रेक विदाउट टाइटल विदाउट जो है ना आप मुख्तलिफ जो है आप कह सकते हैं ग्राफ विदाउट चार्ट और विदाउट जो है ना हाईलाइट आप जो है ना लिखें। ऐसे का पेपर जो है ना सिर्फ शुरू में आउटलाइन बनाए और आउटलाइन वो भी जो है ना ब्लू या ब्लैक से लिखें और फिर उसके बाद जो आप ऐसे लिखते हैं शुरू से आखिर तक वो कंटिन्यूटी के साथ बिल्कुल होमोजीनियस सिंगल कलर के साथ आप लिखें। और बीच में अगर आप चाहते हैं कि अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं किसी पॉइंट को बिल्कुल आप कर सकते हैं, मैंने खुद किया था, लेकिन वहाँ पे जो है ना आप सिर्फ जो है ना ब्लू और ब्लैक में शिफ्ट होकर लिखे। इसके अलावा कोई हाईलाइटर या कोई इसके अलावा थर्ड कोई कलर यूज़ ना करें बल्कि इसके आपके नंबर करेंगे, हो सकता है कि आप फेल भी हो जाए इस वजह से। तो ऐसे में बिल्कुल भी आप अलाउड नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ें जो है ना वो जो है ना यूज़ करें। तो हाईलाइट अगर आप करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं, सिर्फ वो कलर चेंज करें ब्लू से ब्लैक ब्लैक से ब्लू, बाकी इसके अलावा आपको जो है ना अलाउड नहीं। अच्छा जी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ वी कैन इंप्रूव आवर वोकैबुलरी, देख ले वोकैबुलरी का फिर वही। अच्छा सर थैंक यू आपने टाइम। अच्छा जी ये लास्ट में क्वेश्चन है इसको मैं एड्रेस करता हूँ फिर उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करते हैं प्रॉपर्ली कि किस तरह से मतलब वोकैबुलरी को किस तरह से बिल्ड करते हैं, ये किसी ने पूछा यहाँ पे लिख के भेजा है। इसके मुतालिक जो है ना मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, अभी भी मैं दोबारा फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देख ले वोकैबुलरी का एक अप्रोच तो ये है कि हमारे जितने भी दोस्त थे वो भी इसको वो कर रहे प्रैक्टिस करते थे कि वो जीआरई का की कोई एक बुक उठा के या इसी तरह से जो मार्केट में जो किताबें हमें मिलती हैं वहाँ से वोकैबुलरी का एक पोर्शन लेके फ्रॉम अल्फाबेट ए टू जी वो मुख्तलिफ याद करते थे। मेरे ख्याल में बहुत ही अनहेल्थी प्रैक्टिस है, वोकैबुलरी याद करने की रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसका सिर्फ एक ही है कि आप डॉन एडिटोरियल पढ़े और वहाँ से भी रोज़ाना जो तीन चार वहाँ पे जो आप वोकैबुलरीज आपको मिलेंगे उनको डिक्शनरी में देखें, गूगल पे देखें, इनकी प्रोनाउंसिएशन देखें, फिर इस तरह वो किस तरह से यूज़ हुए हैं सेंटेंस में वो खुद आप एडिटोरियल में देख रहे हैं, फिर उसकी मीनिंग देखें। अगर आप लिखना चाहते हैं तो नोटबुक पे जिस पेज पे आप एडिटोरियल को रिक्रिएट कर रहे हैं उसी पेज के साइड पे आप इसका जो है ना मीनिंग आप लिखें अपने अल्फाज में, फिर दोबारा इसको याद करने की दोबारा कल दोबारा उसको लिखने की या सॉरी दोबारा इसको पढ़ने की याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगले दिन नेक्स्ट आप एडिटोरियल लिखें फिर लिखें, यह अल्फाज आप लिखोगे भूल जाओगे फिर लिखोगे, इसी तरह करके तीन चार महीने के अंदर एक ख़ास जो है ना वोकैबुलरी स्टफ़ जो है ना उसको आप जो है ना याद कर चुके होंगे, वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन चुका होगा, आप जो है ना आप इंग्लिश की आपकी एक वोकैबुलरी बिल्ड हो चुकी होगी। तो इसलिए इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके अलावा जो आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर से, रिकमेंडेड बुक से, फॉरेन न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, तो इसमें आप साथ साथ जो है ना आपकी वोकैबुलरी जो है ना वो बिल्ड होती जाएगी। तो इसलिए इन चीज़ों को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्त ईडियम्स जो है इनको देखने की कोशिश करें, ईडियम्स को देखें, कुछ ईडियम्स को जो कि आप खुद याद लिखने की कोशिश करें वो एडिटोरियल में भी आते हैं। अगर कुछ ईडियम्स अगर आप देखना चाहते हैं किसी बुक से तो फिर आप देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी वोकैबुलरी हैं ए टू जी वो उनको रटा लगाने की याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत अनहेल्थी प्रैक्टिस है। अगर आप याद कर भी लो तो फिर आप उनको यूज़ नहीं कर सकोगे, फिर आप उनको अपने राइटअप में नहीं ले आ सकोगे, उनको फिर अपने राइटिंग में नहीं उनको यूज़ कर सकोगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो है ना इन चीज़ों को इस तरह से याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है ना आप इस प्रैक्टिस को जारी रखें। पैसिव के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, ऐसी के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होगा और सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ से आपके लिए कवर होंगे। तो इसलिए आप जो है ना सिर्फ इसको डेली जो है ना आप कमिटमेंट के साथ रेगुलरली जो है ना आप इसको एडिटोरियल पढ़े दो तीन मरतबा पढ़े और फिर इसको जो है ना कम्प्रीहेंड समझने की कोशिश करें, फिर उसके बाद अपने अल्फाज में इसको जो है ना दोबारा रिक्रिएट करें। अगर आप अपने अल्फाज में नहीं कर सकते शुरू शुरू में उसको भी आप कापी करके लिखें
वहां से अल्फाज उठा के लिखे, उसी टॉपिक को आप लिखे, लेकिन लिखना आपने जरूर है। इसी तरह से अगर आप लिखोगे एक दो महीने के अंदर आपको खुद अंदाजा होगा आप जो है ना आपने कितना इम्प्रूव किया है। मेरे ख्याल में आज के लिए सेशन काफी है, तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ पे आए और लेक्चर सुने, तो थैंक यू फॉर योर टाइम सर। सर आपकी बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया। UMTCSS फोरम ये एक हमारा जो है ना एक इदारा है, ऐसे समझें OPA UMT के अंडर हम काम करते हैं, तो हम काफी आपके थैंकफुल हैं आपने हमें टाइम दिया है। और इसके अलावा OPA UMT के भी हम काफी शुक्र गुजार हैं जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमें फराहम किया कि हमें जो है आप तक एक्सेस मिली और आपने जो है ना एक अच्छा मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल हमारे लिए एक ये सेशन रहा है। और इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना आगे भी रहेगा कॉन्टेक्ट, क्योंकि हम भी बहुत शुक्रिया।